चलो जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। फिर वही मरीज की आवाज़ क्या हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। हाँ अब ठीक है, आप धीरे बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कल का रिवीजन कर लिया। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने? क्लास में भी पढ़े, घर में भी पढ़े, ऐसे तो मैं नहीं है। चलो कौन से पेज नंबर पे थे कल हम? आप वैसे बता नहीं पाओगे, तुम बता ही नहीं पाओगे हम कौन से पेज नंबर पर थे। मैंने पेज ही इतने खुलवा दिए थे, आखिर में हम पेज नंबर 3 पर थे बेटा। हाँ चलो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते पहले जरा। कल की जो हमने बातें करी, बहुत सारी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें सीख ली थी। हमने सीखा, बना ले दो, मैं सबके लिंकिंग लगाता हूँ आपको। हमने सीखा आर्टिकल 265, यहाँ से बेटा हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बस किसी को तकलीफ हो सकती है आपके ऐसे करने से? ध्यान रखा करो, आपको पता भी नहीं चलता आपकी हरकतें का नुकसान देते। बच्चे को नहीं कराते कई बार? तो टेक केयर ऑफ द थिंग प्लीज। हाँ जी, फिर तुम्हें समझ नहीं आता बच्चे 3-3 बोतलें लेके क्यों चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी चलो जी, आर्टिकल 265 क्या बात समझी थी कल? छोटी सी बात समझी थी, और छोटे ही शब्दों में बोलना है। क्या चीज? टैक्सेशन के लिए क्या चाहिए? लॉ, राइट। चलो लिखते जाओ साथ साथ और चार्ट बनाते जाओ। 265 सिंपली टैक्सेशन रिक्वायर्स लॉ। टैक्सेशन के लिए हमें लॉ चाहिए, बेसिकली एक्ट चाहिए। और फिर आर्टिकल 245, इसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था बेसिकली कि हु मेक्स लॉ। 245 इस बात का, इस चीज़ को हैंडल कर रहा था कि लॉ जो है वो कौन बनाएगा बेटा। तो बेटा लॉ कौन बनाता था बताना जरा, लॉ कौन बनाता था बेटा? या तो पार्लियामेंट बनाएगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हमने एक बात और इसी कनेक्टिविटी में समझी थी बेटा, कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो बेटा वो किसके लिए बनाएगी? पार्लियामेंट इसका दायरा क्या है बेटा, ये कहाँ तक के लिए लॉ बना सकती है? ऑल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो थी वो हमारे पास लॉ बना सकती है फॉर ऑल ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर जो था वो हमारे पास बना सकता था फॉर स्टेट। अच्छा, और एक क्वेश्चन साथ में हमारा ये भी था कि ये जो भी कानून बनाए जाने हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं तुम लोग। इंटरेस्टिंग लोग, गुड। घर में कैसे चुप बैठते होंगे तुम लोग यार, घर में रखते ही नहीं पेरेंट्स, क्लास में भेज देते हैं। एक्सीलेंट, जाओ। हाँ जी
क्वेश्चन साथ में एक अगला अब ये था कि लो ठीक है पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, सब्जेक्ट मैटर हमें किस मुद्दे पर कानून चाहिए बेटा? टैक्सेशन नॉन टैक्सेशन दोनों पर चाहिए? यस। अच्छा, हम टैक्सेशन वाले की बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्योंकि टैक्सेशन है। तो अब टैक्सेशन पर कानून कौन बनाएगा? किसी एक मुद्दे पर टैक्स लगाना है, किसी भी एक मुद्दे पर, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर टैक्स कौन लगाएगा। तो उसके आर्टिकल्स में बात कर सकते हैं, जीएसटी से पहले तक 246, जीएसटी के बाद 246 के अलावा एक और आ गया 246A। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन है हमारे, अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन जो है वो जीएसटी है, और अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन अदर टैक्सेस है, इफ इट इज जीएसटी देन आर्टिकल 246A है जिसने स्टोरी बताई कि कैसे कैसे जीएसटी लगेगा, इफ इट इज अदर टैक्सेस देन इट इज आर्टिकल 246। अच्छा, आपके सिलेबस में जैसे आपने इंटर में बात करनी है तो बेटा इनकम टैक्स भी पढ़ना है और आपने जीएसटी भी पढ़ना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो लगा है वो कौन सा आर्टिकल से आया होगा? 246 से। यस, और 246 में बेटा कभी कोई टैक्स लगता था तो वो टैक्स कौन लगाता था? कंकरेंटली या एक्सक्लूसिवली? या तो पार्लियामेंट लगाएगी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। 246 ने बेटा जो पावर्स दी थी वो कौन सी थी? एक्सक्लूसिव पावर्स। हमने कल पढ़ा था, तो इसमें एक्सक्लूसिव पावर थी, या तो अपना पार्लियामेंट लगाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों इकट्ठे हम बात नहीं करते। आपको याद है 246 में कितनी लिस्ट थी? तीन लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, टैक्सेशन के एंगल से कितनी लिस्ट है? दो ही है, क्योंकि तीसरी नॉन टैक्सेशन के लिए थी। ठीक है, अब वो जो दो लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसमें हमने बात करी थी बेटा या तो मुद्दा यूनियन लिस्ट में आएगा या स्टेट लिस्ट में, एक्सक्लूसिव चलेगा जो भी चलेगा, या तो पार्लियामेंट लगाएगी या फिर स्टेट लिस्ट। तो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, और वो एक्सक्लूसिव पावर या तो लिस्ट वन का मैटर होगा तो पार्लियामेंट के पास आ जाएंगे, लिस्ट टू का मैटर होगा तो फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास आ जाएगी। अच्छा, इनकम टैक्स किसने लगाया होगा? पार्लियामेंट ने लगाया होगा। यस, पक्का है? यस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिकली तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको लिस्ट खोल के देखना पड़ेगा, और वो यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स लिखा हुआ हमारे पास नजर आएगा। बाकी अगर कॉमन मैन के एंगल से बात करूं तो जब हमें ये पता हो बेटा कि कोई भी आदमी पूरे इंडिया में कहीं भी हो, इनकम टैक्स सब सेम दे रहे हैं, तो इसका एक इम्प्लाइड मतलब है। अगर सबका ट्रीटमेंट सेम चल रहा है तो इसका एक इम्प्लाइड मतलब है, वो मैटर कहाँ होगा? यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो आपका इनकम टैक्स बेसिकली दैट इज अ मैटर ऑफ लिस्ट वन। अच्छा, एक वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जनरल सा बेटा, जीएसटी जब आया तो जीएसटी में तो हम कहते थे वन नेशन वन टैक्स, ये कहते थे ना, तो मतलब तो ये हो गया ना, जीएसटी के आने के बाद तो सब टैक्सेस खत्म हो गए होंगे, तो फिर इनकम टैक्स तो लग रहा है यार। बोलो फटाफट से,
जीएसटी ने सारे टैक्सेस नहीं खत्म किए होंगे, मेरी बात समझ पा रहे ना? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसका इम्पैक्ट गया किस पर होगा? इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनकम टैक्स इज योर वेरी वेल, डायरेक्ट टैक्स तो डेफिनेटली वो तो आज भी आपका लग रहा है, ठीक है? दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स हम किस पर लगा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा जीएसटी से जो हमने टैक्स हटाए होंगे वो कौन से हटाए होंगे? सारे या गुड्स और सर्विसेज वाले? गुड्स और सर्विसेज वाले डेफिनेटली। जिन टैक्सेस का गुड्स और सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले भी लगते थे, वो आज भी लगते रहेंगे। एम आई क्लियर? यस। अच्छा, अब जो जीएसटी है जिसके लिए हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 246A लेकर के आए थे, तो इसमें आपको ध्यान होगा 246A में ये लिखा हुआ था स्पेशल प्रोविजंस, लिखा था ऐसे। यस, स्पेशल क्या था इसमें? 246 के कंपैरिजन में क्या स्पेशल था बेटा इसमें? बोलो ना, क्या स्पेशल था, बोल के कोशिश करो ना। इसमें एक्सक्लूसिव की बजाय, 246 में क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है, या तो ये या फिर वो। बोलो ना, 246A में क्या स्पेशल था? एक्सक्लूसिव था या कंकरेंट था? कंकरेंट था। इसमें साइमल्टेनियसली एक ही चीज पर दोनों गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स लगा सकती थी। आई होप यू रिमेंबर, दिस इज अ स्पेशल थिंग, कल बड़ा हाईलाइट किया था इसको, प्लीज ध्यान में रखिएगा। जीएसटी के आने से पहले कभी भी कोई भी टैक्स इंडिया में लगता था जो वन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी से वही लगाती थी, बट जीएसटी इज द ओनली टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू इंडिया जो एक ही टैक्स होगा वो पैरेलली दो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लगा रही है। एम आई क्लियर? यस और नो? यस। अच्छा, और ऐसे भी याद कराओ, दो बॉडी लगा रही है, इधर से पार्लियामेंट ने लगाया, उस टैक्स का क्या नाम दिया था? सीजीएसटी। और स्टेट वालों ने अपने एसजीएसटी एक बना लिए थे, एसजीएसटी। अच्छा, अब एक बार बताओ, ये दो एक्स से दो टैक्स लग गए एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है? इसमें अगर कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो प्रिवेल क्या करेगा? तो इसमें कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, बोलना चाहिए था आपको। क्यों नहीं होगा, वो कैसे एश्योर कराया हमने? पहले टक गए यार, कल मैंने बताया नहीं था बेटा इसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए हमने क्या किया था? ये जो भी एक्ट बनेंगे ये स्टेट या सेंटर बना तो रहे होंगे बट अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं लिख देंगे, वो वही बनाएंगे जो बेसिकली जीएसटी काउंसिल उन्हें गाइड करेगी। अच्छा, और मुझे याद करो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन थे? सेंटर वाले या स्टेट वाले? दोनों थे। तो जो भी डिसीजन होगा वो दोनों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के बाद होगा और वो सभी सेंटर और स्टेट वालों को अपने एक्ट को उसी पैटर्न उसी बेसिस पर ही चलना पड़ेगा। तो वो इनकंसिस्टेंसी वाली संभावना उन्होंने जीएसटी काउंसिल बना करके बेसिकली टेक केयर करी थी। आर्टिकल नंबर याद है जीएसटी काउंसिल का? आर्टिकल नंबर 279A, ठीक है? बाकी बेटा बहुत सारे आर्टिकल्स बीच में डिस्कशन में आएंगे, 246A इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें मिस्टेक मत करना, बाकी ठीक है आपको याद रह जाए तो बढ़िया, बट 246A जिससे जीएसटी आया है ये कम से कम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना है। अच्छा जी, अगली बात समझते हैं हम, थोड़ा स्पेशल समझते हैं बेटा। अब बेटा 246A का आज हम डीपर एनालिसिस करेंगे और बड़ा टेक्निकल होगा ये, अच्छा और इंटरेस्टिंग भी है। इससे पहले मैं आपको ये और बताता हूँ बेटा, ये जो हमने ऊपर अभी पॉइंट लिखा, अभी मैं एक स्पेशल डिस्कशन लेता हूँ, जरा सुनना ध्यान से बेटा। 265 ने कहा था एक्ट चाहिए, 45 ने बोला था पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाएगी, पार्लियामेंट का कानून इंडिया और स्टेट लेजिस्लेटर का स्टेट। अब यहाँ मेरी एक नई बात सुनना बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अभी वैसे बोला भी है, इनकम टैक्स किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पार्लियामेंट ने बनाया, क्योंकि इस चेंज से हम समझ गए, क्योंकि इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ गया? 246 में यूनियन लिस्ट में। अच्छा, अब क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में था तो ठीक है जी, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ, अब ये इनकम टैक्स एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया ये कहाँ तक एप्लीकेबल हो सकता है? ऑल ऑफ इंडिया। कुछ बहुत अच्छा सीखोगे बोलते जाना, हॉल ऑफ इंडिया। ये कहाँ लिखा था कि ये हॉल ऑफ इंडिया में हो सकता है? ये चार्ट के बाद भी दिक्कत आ रही है बेटा, कहाँ लिखा था?
245. अच्छा, मैं चाहूंगा एक बार आप आर्टिकल 245 अपने सामने दोबारा रखें. पेज नंबर फर्स्ट पर था शायद आर्टिकल 245. मैं आपको पहले जो बात बोलूंगा उसे आप ध्यान से सुनना, लिखना विखना कुछ नहीं, अभी जरा ध्यान से सुनना बेटा. अब इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया एंड 245 की फर्स्ट लाइन ये कह रही थी, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो हॉल ऑफ इंडिया या इंडिया के एक पार्ट के ऊपर लगेगा. हमने इनकम टैक्स एक्ट को एंटायर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कराया हुआ है. अब जब मैं ये कहता हूँ बेटा एंटायर इंडिया के ऊपर लगेगा, तो एक छोटी सी बात आपको समझनी है, क्योंकि आप सबने इनकम टैक्स पढ़ रखा है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस से समझ लेंगे. आपने इनकम टैक्स जब पढ़ा था तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, जब हम इनकम टैक्स लगाते हैं तो हम जिस आदमी से इनकम टैक्स मांगते हैं हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं. सबकी नॉलेज है ना, और रेजिडेंशियल स्टेटस में या तो वो अपना रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट में वो ऑर्डिनरीली होगा या नॉट, ऐसे ही कुछ था. यस, सिंपलेस्ट सेंस में जो आपने पढ़ रखा है, एक रेजिडेंट है और नॉर्मल रेजिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. तो बेटा उसकी कौन सी इनकम हम टैक्स करते हैं, जो उसने इंडिया में कमाई या जो उसने बाहर कमाई? हम सारी टैक्स करते हैं, ग्लोबल इनकम, ऐसे ही आपने पढ़ रखा है ना. यस, अब ये जो आपने पढ़ा समझा है इससे रिलेटेड एक इशू है, अपने दिमाग को थोड़ा सा इस पर सोचना. आपके लिए पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन अ पर्सन और इनकम. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन पर्सन अर्निंग इनकम या ऑन इनकम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है क्या, इस मुद्दे की टेक्निकलिटी समझो. हम जब बात करते हैं ना टैक्स लगाया, तो हमें एक मैटर चाहिए कि हम किसको टैक्स कर रहे हैं. तो इनकम टैक्स में हम किसको टैक्स कर रहे हैं, पर्सन को टैक्स कर रहे हैं या इनकम को टैक्स कर रहे हैं? वेल लर्न समथिंग, इसमें नहीं आता उसकी टेंशन ना रखा करो. एक्चुअली क्या लीगल चीजें जितनी क्लियर होगी आपको फाइनल में बड़ी हेल्प मिलेगी. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. सोचो, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, पर्सन इज ओनली द पर्सन हु इज पेइंग टू द गवर्नमेंट, या इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन पर्सन? दोबारा बात करते हैं. हमको बहुत टाइम लगता है बेटा आपकी, ये तो इंटर में आप बड़े चार्टर्ड से पूछोगे वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन, जब भी हम बात करते हैं कि किस मुद्दे को टैक्स किया गया, तो हमने पर्सन को टैक्स किया है इनकम टैक्स एक्ट में या हमने इनकम को टैक्स किया है. पर्सन तो सिर्फ एक मीडियम बना है उस टैक्स को गवर्नमेंट को देने के लिए. अगर मेरे को गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स दो, तो गवर्नमेंट दीपक गुप्ता को टैक्स कर रही है या गवर्नमेंट दीपक गुप्ता की इनकम को टैक्स कर रही है? यार सिंपल सी बात है, किसको टैक्स कर रही है? इनकम को. और ये बात की वैल्यू क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा. सब्जेक्ट मैटर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 246 और ये 246 ए में है ना हमारे सब्जेक्ट मैटर. अब जैसे इनकम टैक्स है, आप समझ गए, इनकम टैक्स 246 ए में नहीं है, वो कहाँ है? 246. और 246 में कहाँ है? यूनियन लिस्ट. मुझे यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, टैक्स ऑन इनकम या टैक्स ऑन पर्सन? क्या लिखा मिलेगा? टैक्स ऑन इनकम. एक बार के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, जस्ट पेज स्विच ओवर एक बार करना पड़ेगा, पेज नंबर 14 पर. जस्ट कुछ रेफरेंस की जरूरत नहीं, ऐसे ही बस पेज नंबर पर आ जाओ डायरेक्ट. पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, इस पर मैंने ये जो लिस्ट है, लिस्ट वन लिस्ट टू दिखाई दे रही है, 82 नंबर की एंट्री मैंने आपको दी. लिस्ट वन में बड़े सारे थे, याद है आपको, 97 थे टोटल, तो मैंने 82 ऐसे जस्ट आपको दिखाने के लिए रिप्रोड्यूस करी. क्या लिखा बेटा? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. अच्छा, आपने शायद ये भी पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम को हम टैक्स नहीं करते. यस नो? यस. अच्छा, तो अब मुद्दे की बात क्या बेटा, 82 एंट्री ने सब्जेक्ट मैटर क्या दिया है, टैक्स ऑन पर्सन? नो, टैक्स ऑन इनकम.
सो हम इनकम टैक्स एक्स से जो टैक्स कर रहे हैं, हम वो क्या टैक्स कर रहे हैं? इनकम. ठीक है, अब सुनना जरा. अब जब मैं इनकम टैक्स कर रहा हूँ, मैंने 82 ने मुझे पावर दी कि इनकम को टैक्स करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना देगी, और पार्लियामेंट ने बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया. अब मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन है और वो पर्सन मिस्टर एक्स जो है इंडिया में है, उसकी इनकम इंडिया में भी है बेटा, और उसकी इनकम जो है वो लेट्स सपोज यूएसए से भी है. ही इज़ डूइंग बिजनेस इन बोथ द प्लेसेस. इंडिया में भी एंटिटी है उसकी, उसने फॉरेन अब में भी अपना बिजनेस ब्रांच खोल रखा है और वहाँ से भी वो कमा रहा है. तो दो सोर्सेज ऑफ इनकम है बेटा, इंडिया में भी और बाहर भी. आप मुझे बताइएगा इसको टैक्स कौन सी इनकम पर देना है, जो यहाँ कमाई वो, या जो बाहर से कमाई वो, प्रिज्यूमिंग ही इज रेजिडेंट लेट्स सपोज, दोनों पर? ठीक है, अब एक टेक्निकल बात सुनिएगा. ठीक है, टेक्निकल बात ये बेटा, ये आदमी जो था, इसने जो यूएसए से इनकम कमाई, इसने लेट्स सपोज मान के चलता हूँ इसने उसका टैक्स नहीं भरा. इंडियन से जो कमाई वो तो भर दिया, लेकिन इसने जो यूएसए से कमाई उसका टैक्स नहीं भरा. इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसे बुलाया, उसने बोला भाई आप रेजिडेंट हो, आपकी तो हर इनकम चाहे कहीं से भी कमाओ उस पर टैक्स भरना होता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये नोटिस है भैया आप टैक्स भरो, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे. अब इस आदमी ने इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बोला, उसने बोला सर जो मैंने इंडिया में कमाया आप उसको टैक्स कर रहे हो, मुझे समझ आता है, जो मैंने बाहर कमाया आप उसको टैक्स ही नहीं कर सकते. हमने बोला क्यों नहीं कर सकते भाई? तो उसने बोला सर इनकम टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स एक्ट में. रिएक्शन लाओ. यस, और इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने. यस, और पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी संविधान का आर्टिकल 245 वो क्या कहता है? मजा नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया. वो बोलो बोलो फटाफट से, वो सिर्फ बोलो, आपको आ रहा है समझ? कुछ आ रहा है, वो सिर्फ इंडिया की टेरिटरी को ही अप्लाई हो सकता है. कुछ आया क्वेश्चन माइंड में? यस, तो कह रहे सर जो मैंने इंडिया में कमाया इस कमाई को, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, उसके लिए बनाया इनकम टैक्स एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया, और पार्लियामेंट उस एक्ट से मैक्सिमम जो कवर कर सकती है वो इंडिया को कर सकती है. तो आप मेरे इंडियन इनकम को अगर टैक्स कर रहे हो तो वो तो ओके है, लेकिन अगर मैंने यूएसए में कोई इनकम कमाई है तो दैट इज अ फॉरेन टेरिटरी, और उस टेरिटरी के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता. आर्गुमेंट चल रहे, मेरी बात समझिएगा कि वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज संविधान के आर्टिकल 245 ने क्लियर बोल रखा है कि पार्लियामेंट का बनाया गया कानून तो सिर्फ इंडियन टेरिटरी पर अप्लाई हो सकता है. क्वेश्चन समझ आया सबको? यस. ऑफिसर बोला हो सकता है मेरे को नहीं पता, मैंने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है और इनकम टैक्स एक्ट ने तो लिखा हुआ है तुझे ग्लोबल इनकम पर देंगे, जैसे आप बच्चों ने पढ़ रखा है. तो बोला सर एक्ट सेकंड स्टेज पर है, एक्ट से ऊपर है संविधान. क्या वो सही कह रहे हैं? कोशिश करो, आप सीखोगे अच्छी बातें सीख रहे हो. संविधान बड़ा है या एक्ट बड़ा है? संविधान भाई, संविधान से पावर लेकर के एक्ट बनाए तो डेफिनेटली बिगर इज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन. तो उससे बोला सर जब संविधान आपको पावर देगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देगा तभी तो कुछ काम करोगे. अगर संविधान ने कह दिया पार्लियामेंट का कानून सिर्फ इंडियन टेरिटरी पर अप्लाई होगा, तो संविधान ने पावर ही सिर्फ वहां की दी है, तो आप एक्ट के थ्रू बाहर की टेरिटरी को कवर कैसे कर लोगे? और अगर आपका एक्ट बाहर की टेरिटरी वाली इनकम को टैक्स कर रहा है जो संविधान की पावर से बहुत ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा एक्ट क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है तो दिस इज लीगली इनवैलिड. दिस इज लीगली इनवैलिड. इसे बेटा लीगल लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, पता नहीं शायद आपने ये वर्ड सुना या नहीं, अल्ट्रा वायरस. वायरस नहीं, वायरस. हाँ जी. सो आपको एक पावर दी गई, आप अगर उस पावर से एक्स्ट्रा, आपका एक सीनियर ऑफिसर आपको एक पावर दे और आप उस पावर से एक्स्ट्रा कुछ कर जाए तो हम बोलेंगे यूर एक्ट इज अल्ट्रा वायरस. तो अब ये असेसी कह रहा है, वो ये कह रहा है यूएसए की इनकम को आपका इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ही नहीं कर सकता, और अगर वो लिखता है कि इसको टैक्स करेंगे तो वो संविधान की पावर से कहीं आगे जा रहा है, विच इज रॉन्ग. तो इनकम टैक्स एक्ट टू दैट एक्सटेंट इज अल्ट्रा
वॉइस। अच्छा, कितने लोग इस आर्गुमेंट से सहमत है जो मैंने डिस्कशन दिया, कितने लोग इस लॉजिक से सहमत है कि एसएससी ठीक कह रहे हैं? सहमत है बाकी लोग? क्या हुआ? सुनो अब जरा अच्छी सी, फिर से बात सुनते हैं हम। अच्छा, दो तरीके के पढ़ाई होती है बेटा। एक पढ़ाई एक तरीके का आदमी वो करता है कि वो क्या करता है, एक्ट में जो लिखा है उसको वो सही मान के पढ़ता रहता है, जो लिखा है सही लिखा है, और वो सिर्फ ये ध्यान देता है लिखा क्या है मैं वो कर दूं। दूसरा कैटेगरी का चार्टर्ड वो होगा जो ये कोशिश करेगा कि जो लिखा है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा कि वो सही लिखा भी है या फिर नहीं लिखा, और मैं तो एक्ट के एक्ट को ही चैलेंज कर दूंगा। मेजोरिटी ऑफ द पर्सन जनरली इन द लाइफ दे डू, जो लिखा है उसे फॉलो करते रहो, एंड एक्सेप्शनल पीपल दे विल ऑलवेज ट्राई, लिखा है मैं तो इसी को चैलेंज कर दूंगा। मैं आपको दूसरी कैटेगरी में ले जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिया, ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, आपने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं लिया माइंड में, होती है, बट मैं कह रहा हूँ आप अपने माइंड को आप चैलेंज लो कि नहीं, टैक्स कैसे हो जाएगी जब वो इनकम बाहर की है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट बाहर की टेरिटरी की इनकम को कैसे कवर कर लेगा जब आर्टिकल 245 में ये इजाजत ही नहीं है। क्या माइंड में क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज एबल टू अप्रिशिएट? यस। सो बेटा अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब इसको जरा ध्यान से और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना। आर्टिकल 245 अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बेटा हमने पूरा नहीं किया, कुछ बचा हुआ है उसमें? देखो 245 पूरा कर लिया, कुछ बचा हुआ है? अलर्ट रहा करो भाई, कुछ बचा हुआ है उसमें? हाँ, जो पढ़ा था आपने उसकी तो आपने मांग भर ली होगी, रेड पेन ब्लू पेन। मैंने देखा कुछ कुछ बच्चे तीन तीन पेन लेके बैठे हैं, इसको नीले से करूंगा, इसको लाल से करूंगा, और कुछ हाइलाइटर लेकर के आए। तो ये जितने हाइलाइटर है ना जो बड़े कंसंट्रेट करते हैं, इधर आप ध्यान से सुनना हाइलाइटर वालों, बचा है कुछ? आर्टिकल 245 फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने, अब सेकंड पॉइंट चलो बोल के पढ़ो जरा। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। अब रुको, नेगेटिव लाइन है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं होगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं होगा। पॉजिटिव, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून वैलिड ही रहेगा, यही होगी ना? यस। चलो फिर बोलते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इनवैलिड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड, इस आर्ग्यूमेंट पर, इस मुद्दे पर वो इनवैलिड नहीं होगा। बोलना किस मुद्दे पर, बोलो बड़ा वर्ड से अगर आप समझे, किस मुद्दे पर? इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। समझ आया कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? आर्टिकल 245 की फर्स्ट लाइन के हिसाब से, पार्लियामेंट लॉ जो बना रही थी वो किसके लिए बना रही थी, किस टेरिटरी के लिए बना रही थी? होल ऑफ इंडिया। अब अगर पार्लियामेंट के किसी कानून ने उस टेरिटरी से बाहर की कोई चीज पकड़ने की कोशिश करी अपने बनाए गए कानून से, तो क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी से बाहर की चीज पकड़ रही है तो वो लॉ इनवैलिड हो गया या वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा। ये क्या लिखना चाह रहे, समझ पा रहे हो? वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा। दे आर क्लियरली लेइंग डाउन दिस वेरी क्लियरली कि ठीक है लॉ इंडियन टेरिटरी पर होता है, बट फिर भी अगर पार्लियामेंट किसी सर्कमस्टांस में किसी रीजन पर किसी थॉट प्रोसेस के साथ अगर उस कानून में इंडियन टेरिटरी से बाहर की चीज को भी कवर करने की कोशिश करे तो वो चीज बाहर की कवर कर सकती है, हम इस ग्राउंड पर कभी भी उस कानून को इनवैलिड नहीं बोलेंगे। और अब आप मुझे बोलो, वो जो रेजिडेंट था उसकी यूएसए की इनकम, इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स कर दी और आदमी कह रहा है इनवैलिड है, बोलो अब उनसे समझ पाए तो बेटा इनवैलिड है या वैलिड ही रहेगा? वैलिड ही रहेगा, आर्टिकल 245 का पॉइंट नंबर 2 उसको वैलिडिटी दे देगा। आप मेरी बात समझो, अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर 245 में ये सेकंड पॉइंट बेटा ना लिखा होता तो
तो क्या फिर असेसी इसको चैलेंज कर सकता था? यस, बट अब डेफिनेटली वो इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा. इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं बाद में कहीं आपके साथ जो होगा वो यूज भी करूंगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा. पार्लियामेंट कोई कानून बनाए और वो बाहर की चीज को भी कवर कर ले तो वो कानून इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा, संविधान ने क्लियर कट लिखा हुआ है. अच्छा, इसमें क्या है, ये आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी लाइन स्टेटमेंट के तौर पर सुन लेना. अब किसी ने पूछा, अच्छा तो इसका मतलब अब पार्लियामेंट किसी भी बाहर की चीज को उठा करके टैक्स कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक केस लॉ दे रखा है, वो सिर्फ वैसे ही दो लाइनों का मैं आपको बोल रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, आप 245(2) जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है, बाहर के ट्रांजेक्शंस को भी अगर आप कभी इंडियन लॉ में टैक्स करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस ट्रांजेक्शन को आप पकड़ रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिश्ता, कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ नेक्सेस, बोलो अगर बात समझ आ गई हो तो, इंडिया के साथ होना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि कोई नाता ही नहीं. आप समझो एक यूएसए का आदमी यूएसए में बैठ के दुकान चला रहा है और कमाई कर रहा है और गवर्नमेंट ने बोला इनकम टैक्स लगे, तो ये हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा क्योंकि, मेरी लैंग्वेज से जवाब दो ना, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स में इंडिया का किसी तरीके का कोई नेक्सेस नहीं है. अच्छा, जब हमारा इंडियन रेजिडेंट बाहर दुकान खोल के कुछ कमा रहा है तो क्या इंडिया का एक नेक्सेस मिल गया? यस. सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लॉ में ये बात बोली जी, 245(2) का ये जो सेकंड पॉइंट है ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी ट्रांजेक्शन, वो भले ही बाहर का है, आप उसको टैक्स करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो अगर उस ट्रांजेक्शन का कुछ नेक्सेस यहां इंडिया से रिलेट करता है. नेक्सेस होना जरूरी है. अब नेक्सेस के बाद भले ही एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन बाहर में हो रहा हो, आदमी हमारा है जिसने कमाया, तो भले ही उसने बाहर से कमाया हो, नेक्सेस यहां से बनता है, हम उसे टैक्स कर रहे हैं, उसमें कहीं से कोई इनवैलिडिटी जो होगी वो नहीं आएगी. क्या मैं क्लियर हूं सबके लिए? इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बाद में बेटा मैं इसे यूज करूंगा अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं तो. एम आई क्लियर? अब कुछ टेक्निकल बात और बोलो. अच्छा, अब ऐसे बताना, अब मान लीजिए बेटा एक आदमी इस पर्टिकुलर स्टेट में है, एक आदमी इस पर्टिकुलर स्टेट में है. अभी जो एग्जांपल लिया था वो मैंने क्या लिया था, इंडिया फोकस लिया था, अब मैं इस स्टेट में ले रहा हूँ. तो बेटा क्या होता है, एक आदमी स्टेट में है और इस स्टेट में वो लोकल दुकान चला रहा है. जीएसटी के आने से पहले तक एक आदमी जब कोई गुड्स बेचता था तो बेटा जीएसटी नहीं था, पर कोई तो टैक्स था. 1 जुलाई से पहले अगर हम बात कर ले, एक आदमी दुकान चला रहा है, सामान बेच रहा है, तो कोई टैक्स नहीं था या था? था, वैट होता था मेरे ख्याल से, आपको पता हो ना, टैक्स, सेल्स टैक्स बोलते थे हम, बेसिकली सेल्स टैक्स देना होता था. ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम करो कि अभी मैं जीएसटी फोकस बात नहीं कर रहा, पुरानी बात कर रहा हूँ. तो लेट्स सपोज 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी पुणे में दुकान चला रहा है और उसने बेटा सेल करी. अब जैसे कल भी आपको एग्जांपल बताया था, तो बेटा उसके बाद दो तरीके के कस्टमर थे, एक पुणे का लोकल और एक दिल्ली वाला, याद आ रहा बेटा? यस. तो मान लीजिए उसने इधर पुणे में लोकल सेल करी और इधर उसने दिल्ली में सेल करी, तो सेल करी और उस टाइम पर सेल्स टैक्स होता था. आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, उसने पुणे में सेल करी, महाराष्ट्र वाले, अच्छा आपको शायद ये पता होगा सेल्स टैक्स कौन लगाता था बेटा, स्टेट, ये सबको पता है मेरे ख्याल से. यस. तो अब इस आदमी ने दो सेल करी, एक लोकल महाराष्ट्र में और एक दिल्ली वाले को करी. आपके लिए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का जो टैक्स, सेल्स टैक्स एक्ट होगा, क्या महाराष्ट्र का सेल्स टैक्स एक्ट इसकी जो यहां सेल हुई स्टेट की टेरिटरी के अंदर वो, और वो सेल जो इसकी स्टेट की टेरिटरी से बाहर हुई वो, क्या महाराष्ट्र का स्टेट दोनों को टैक्स कर सकता है? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस. मैंने आपसे पहला एग्जांपल क्या दिया था, आदमी की इनकम का, ठीक है ना, वो क्लियर है सबको. अब मैं सेल्स टैक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, इंटरेस्टिंग जाएगा, जरा जुड़ना. अब उसकी दो तरीके की सेल है, एक महाराष्ट्र स्टेट की टेरिटरी के अंदर और दूसरी स्टेट की टेरिटरी के बाहर.
अब महाराष्ट्र का सेल्स टैक्स एक्ट, जो महाराष्ट्र के स्टेट्स के अंदर की सेल हुई है उसको टैक्स कर सकता है, उस पर तो किसी को डाउट ही नहीं है। जो सेल बाहर की गई है, क्या महाराष्ट्र का स्टेट एक्ट उस सेल को भी टैक्स कर सकता है ऑन द ग्राउंड? बेचने वाला, बोलना चाहिए यार सबको लाइन को, बेचने वाला महाराष्ट्र का है। नेक्सस मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो क्या इस नेक्सस के बेस पर वो अपने सेल्स टैक्स एक्ट में जो सेल बाहर की हो रही है क्या वो उसको टैक्स कर सकता है? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू, बोलो फटाफट से। इंटरेस्टिंग, जो 245 का पॉइंट नंबर 2 है, जो आपने पढ़ा है बेटा, इतने ध्यान से पढ़ा, हाइलाइटर वालों जरा ध्यान से। हाँ जी, आर्टिकल 245 का जो पॉइंट नंबर 2 है बेटा, वो क्या बोलता था? टेरिटरी से बाहर का अगर हमने टैक्स किया तो भी एक्ट इनवैलिड नहीं होगा। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, वो किसके लिए लिखा था? ध्यान दे सारे बच्चे, पहली बार बनी दिया, वो किसके लिए लिखा था? पार्लियामेंट। इनकम टैक्स एक्ट किसने लगाया? पार्लियामेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट इंडिया से बाहर वाली चीज को भी टैक्स कर ले, क्या चल जाएगा? यस। सेल्स टैक्स किसने लगाया? स्टेट लेजिस्लेचर ने। स्टेट एक्ट अगर बाहर वाली चीज को कवर करे, बोल बेटा, चलेगा या वो नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा। एम आई क्लियर? यस। और इसी वजह से ऐसा होता था, शायद आपने ये सुना भी हो, अगर ये सेलर लोकल सेल करता था तो इसको देना होता था लोकल सेल्स टैक्स, जिसको आप शायद वैट इस नाम से जानते थे, सुना हुआ हुआ अगर तो। लेकिन अगर ये दूसरे स्टेट में माल बेचता था तो फिर ये बेटा वैट नहीं देता था, तब वो सेल्स टैक्स का नाम हम बदल देते थे, उसको हम बोलते थे CST। फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर कुछ बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस। मैं आपको जरा थोड़ा सा प्रिसाइज और करके बताऊं, तो बेटा एक बार पेज नंबर 16 पर आइएगा, पेज नंबर 16 पर, सॉरी 16 नहीं, अभी पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर ये बेटा दो लिस्ट नजर आ रही है आपको, लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है। अब लिस्ट टू जो है बेटा, इसमें आप रफली, अभी चलेगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज जरा क्वेश्चन स्पेसिफिक पढ़ते जाना। लिस्ट टू में बेटा आपको, लिस्ट टू में नीचे एकदम एंट्री नंबर 54 नजर आ रही है। अच्छा, एक जिस पर वो क्रॉस हो रखा है ना, वही वाले वर्ड्स आपको बोल के पढ़ने हैं, एक बार बोलना। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, बस अभी रुको, अब रुको। अब इस एग्जाम्पल में जो पुणे वाला है, उसने बेटा दो सेल करी है, अभी बताया ना, दो सेल, एक पुणे में और एक दिल्ली में। अच्छा, अब सो फार एज उसकी पुणे वाली सेल कंसर्न, क्या बेटा स्टेट उसकी पुणे वाली सेल को टैक्स कर सकता है? यस। बट जो उसकी दिल्ली की सेल है, क्या वो उसको कर सकता है? यस। तो आप समझना, हमने स्टेट लिस्ट में पावर जब दी थी तो हमने क्या पावर दी? अब दोबारा बोलते हैं, एक बार के लिए मेहनत करिएगा, बोलो जरा दोबारा से, बोले क्या पावर दी? टैक्सेस ऑन सेल और परचेज। क्या हमने स्टेट को सेल को टैक्स करने की पावर दे दी? कौन सी सेल? सारी? हम सारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं। तो आप देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आगे वाली लाइन को भी पढ़ो ना पूरा। आप सेल टैक्स करोगे बट, बोलो बोलो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री 92A ऑफ लिस्ट वन। अच्छा, कोई मुझे याद कराए सब्जेक्ट टू वर्ड का क्या मतलब होता है? कल समझाया था ना, धीरे धीरे हमने समझा था। सब्जेक्ट टू का मतलब बाढ़ में गया? नहीं, उसकी वजह से हम बाढ़ में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेट को कहा तुम सेल को टैक्स करोगे, ये पावर दे रहे हैं, बट दिस इज सब्जेक्ट टू, आपकी पावर के ऊपर दूसरी कोई और बात प्रिवेल करेगी। और बेटा जिस बात को प्रिवेल करा रहे हैं वो बात कौन सी है? एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट वन। लिस्ट वन का मतलब यूनियन लिस्ट। अब देखो बिल्कुल सामने इस साइड पर मैंने क्या लिखा है 92A में, बोलना। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल और परचेज टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ? 92A ने सेल को टैक्स करने की पावर सेंटर को दे दी,
कौन सी? इंटर स्टेट। अच्छा, अगर अब हम बिल्कुल सिंपल बोल सके तो बेटा, जीएसटी से पहले हम जब सेल्स टैक्स लगाते थे तो हम सेल्स टैक्स ऐसे लगाते थे, हम चेक करते थे कि सेल आपकी लोकल सेल है, बोलो यार, बोलो, आपको समझ आया, लोकल सेल है या फिर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सेल्स को टैक्स करने की पावर सेंटर के पास थी थ्रू 92A। क्या हुआ? यस और नो? यस। तो बेटा उस टैक्स को लगाने के लिए सरकार ने कौन सा एक्ट बना रखा होगा? एक्ट बनाया होगा ना? यस, 92A के नीचे एक्ट का नाम लिख लो, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। वहां जो पावर थी उस पावर के परसुएंस में ये एक्ट बनाया हुआ था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। कहां लिखा है हमने? 92A के नीचे। क्लियर रहेगा ना? यस। अच्छा, और जो सेल लोकल सेल होती थी, बोलो बोलो बड़ा वर्ड से, जो सेल लोकल सेल होती थी उसकी पावर स्टेट के पास आती होगी थ्रू एंट्री नंबर 54। तो एंट्री नंबर 54, तो उसके लिए क्या बेटा, रिस्पेक्टिव स्टेट ने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट सेल्स टैक्स एक्ट पास कर रखे होंगे। यस, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स एक्ट महाराष्ट्र में, हमारे दिल्ली में होता था, दिल्ली सेल्स टैक्स एक्ट एंड सो ऑन। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस। अब मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से बोलूं बेटा, इनकम टैक्स में क्या स्टोरी हुई? इनकम टैक्स में हमने इस आदमी की लोकल भी पकड़ी और बाहर की भी पकड़ी, क्या चल गया? क्या चल गया? यस, 245 से वो चल सकता था, चल गया। हमने सेल्स टैक्स में लोकल और बाहर दोनों क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि चल ही नहीं सकता था। क्या मैं रफली क्लियर हूं? बिल्कुल, टेक्निकल सी बातें बाद में आपको, लेकिन जब फाइनल कंसेप्ट आएगा अच्छा लगेगा। ये समझ आया? यस। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा, ये जो एंट्री नंबर 54 आपने पढ़ी, मैंने इसको काटा हुआ है, क्यों काटा भाई? जीएसटी के आने के बाद यार फिर टाइम लगा दिया। ये अभी स्टोरी मैंने क्या बोली थी? जीएसटी से पहले। अब जीएसटी के आने के बाद, पहले ये बोलो, इनकम टैक्स गया या वो तो एज इट इज ही है ऐसे, तो मैं उस एग्जांपल को चेंज नहीं कर रहा। इनकम टैक्स में रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, आपने पढ़ा और वो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है, वो बहुत साइड कर दो, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। अब मैं अपने वाले की बात करता हूँ। अब बेटा जो अब ये दुकानदार सेल करेगा जीएसटी के आने के बाद, तो बेटा सेल्स टैक्स तो हट गया ना, सेल्स टैक्स की बजाय क्या आ गया? जीएसटी। वंडरफुल, अब देखो कितना अच्छा लगेगा, आपको समझ आएंगी बातें। तो अब जीएसटी आ गया। अच्छा, आज भी इस दुकानदार की सेल तो दो ही होंगी, क्या? लोकल नहीं आया भाई, लोकल बाहर, आज भी ऐसे ही होगा, इसकी सेल का तो वैसे ही चल रही है। अच्छा, अब इसकी जो लोकल सेल चल रही है, आपको याद है इसको हमने जीएसटी में किस नाम से बुला लिया था? ना ना, उस सेल को हमने किस नाम से बुलाया था? सेल को इंट्रा, बोलो बोलो, स्टेट सप्लाई, याद आ गया? और जो दूसरे स्टेट में कर रहा था, इंटर स्टेट सप्लाई। ये बात क्लियर हुई? यस। अब देखो लॉजिक कैसे आएंगे बेटा। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने क्या बोली थी, अब मेरी बात सुनने ध्यान से। आर्टिकल 246 में कोई भी जब टैक्स लगता था तो बेटा कंकरेंट पावर देता था या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। वंडरफुल। और बेटा 246A क्या ये कंकरेंट पावर देता था? यस। अच्छा, आप समझिएगा बेटा, हम कंकरेंट पावर सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही दे सकते हैं। अब आपको कनेक्ट करना चाहिए था यार, रिस्पॉन्स में कमी रह गई। हम कंकरेंट पावर, सोच के देखो आप समझ पाएंगे, हम कंकरेंट पावर सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही दे सकते हैं। क्यों? बोलो ना बेटा, अगर मेरी इंटर स्टेट सप्लाई है पुणे से दिल्ली, और मैं कहूं कंकरेंट पावर दे दो, और कंकरेंट पावर का मतलब क्या होगा? अब सेंटर का भी एक एक्ट आ जाएगा और स्टेट का भी एक एक्ट, लेकिन सेंटर वाले एक्ट पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा नहीं आ रहा यार, बट स्टेट वाला एक्ट
बोलो यार बाहर के ट्रांजेक्शन को, फिर रिएक्शन में कमी रह रही है, बाहर के ट्रांजेक्शन को टच कर पाएगा वैलिडली या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 245 जो पहले भी था क्या वो आज भी है? यस और नो? यस। और क्योंकि वो आज भी है तो बेटा वो किसी भी स्टेट एक्ट को, एनर्जी से रिपीट करते जाए, वो किसी भी स्टेट एक्ट को बाहर वाले ट्रांजेक्शन को टैक्स करने की पावर नहीं देगा। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन हमने कल आर्टिकल 246 ए में क्या पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगी तो दोनों बात कर ले। तैयारी बात समझ में? इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगी तो दोनों बात कर ले, इंटरेस्ट रेट सप्लाई हुई तो दोनों बात करेंगे या एक ही बात करेगा? एक ही बात करेगा। कैन यू अप्रिशिएट ऑल द लॉजिक्स एंड रीजनिंग? देखो अब है क्या, ये जो लगभग हमारे 3.5-4 घंटे इसमें लग गए, ये मैं आपको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता था, जीएसटी दो सप्लाई, इंट्रा इंटर, इंट्रा में ये होता है, इंटर में ये होता है, आप भी इसे एज अ स्टेटमेंट लेकर के चले जाते हैं, हाँ कानून ऐसा बना हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, बट पॉइंट इज दैट लॉजिक्स नहीं होते। मेरा फोकस रहेगा खासतौर से शुरुआत के 7-8 लेक्चर्स तक जो आप पढ़ रहे हो, पहले यू ट्राई टू अप्रिशिएट कि जो लिखा जा रहा है वो कहाँ से क्या चीज उठा के लिखा जा रहा है, जो भी लिखा जा रहा है सबका एक लॉजिक है गवर्नमेंट के पास, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। एक बार वो लॉजिक आपको क्लियर हो गया तब आपके लिए याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको याद सिर्फ 246 ए करना है एग्जाम के लिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अब हमें याद रहेगा 246 ए में स्पेशल बात क्या है। अरे मैंने इतनी बार बोला कंकरेंट पावर, बट उसमें एक जगह कंकरेंट नहीं दिया, याद रह गया यार, एक जगह कंकरेंट नहीं दिया, कहां नहीं दिया? इंटरस्टेट। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंटरस्टेट में कंकरेंट का मतलब स्टेट आता और स्टेट बाहर वाले पर हाथ लगा ही नहीं सकता। इशू इज ओवर एंड यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर ओनली 246 ए नाउ। आई बिलीव आई एम क्लियर। तो अब 246 ए वाला जो हिस्सा बेटा, इसमें कंकरेंट भी है और इसमें एक्सक्लूसिव भी है। बेटा कंकरेंट टैक्सेशन कौन सी सप्लाई पर चलने वाला है? किस पर? इंट्रा स्टेट सप्लाई। कंकरेंट टैक्सेशन चलने वाला है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर, एंड एक्सक्लूसिव वाला जो है वो चलने वाला है हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो इंटरस्टेट सप्लाई, ये इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर कंकरेंट चलेगा, ये बेसिकली जो था ये 246A1 में लिखा था, एंड इंटरस्टेट सप्लाई वाली स्टोरी जो थी वो 246A2 ने लिखी थी। आप सिर्फ 246A याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट, बाकी 1 और 2 का डिफरेंशिएशन था उसमें, उन्होंने ऐसे बात करी थी। अच्छा, और कंकरेंट टैक्सेशन का मतलब अब हो क्या जाता था बेटा, पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगी एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा। और बेटा पार्लियामेंट ने कौन सा बना दिया था? एक्ट पास हो गया था बेटा, CGST एक्ट पास हो गया था, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से वो जो एक्ट आ जाएंगे वो आएंगे SGST एक्ट। और इधर से इंटर स्टेट सप्लाई पर एक्सक्लूसिव था, और वो एक्सक्लूसिव हमने दिया किसको था? पार्लियामेंट को। स्टेट को दे ही नहीं सकते थे बेकार, क्योंकि स्टेट तो बाहर वाले को टैक्स ही नहीं कर सकता, तो हमने पार्लियामेंट को दिया था, और पार्लियामेंट ने इसके लिए जो कानून बनाया था IGST एक्ट।
और बेटा कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, इसमें IGST इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है यार? इंटीग्रेटेड या किस सेंस में, वो अपने आप याद रहेगा किस सेंस में, कि CGST है 9%, SGST है 9%। लोकल हुआ, CGST 9% लगा, SGST 9% लगा, वही इंटरस्टेट हुआ तो IGST इंटीग्रेट होकर के लग जाएगा 18%। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? सो नाउ 245 इज कंप्लीट, उसका बेसिक रोल जो था वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी अच्छी बात, बड़ी बात और करते हैं, ये तो भी बच्चों वाली बात हमने सीखी है बेटा। इसमें कुछ खास नहीं था, तुम्हें लगा होगा खास है, ये तो अभी स्टार्ट है। अब हम बड़ी बात इसमें से करते हैं कि हमें स्पेशल क्या समझना है इसमें। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर एक स्पेशल बात आपसे और पूछ लेता हूं, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ लोगे, शुरुआत में इतनी बड़ी बात आपने बोली तो। मुझे अब एक बात बताओ, एक आदमी जो है जब कभी सेल करता है तो बेटा वो सेल, इसी पुणे वाले को फिर से बात करते हैं बेटा, ये एक सेल तो करता होगा पुणे में लोकल, ठीक है, एक ये कर देता होगा दिल्ली वालों को, क्या ये कभी USA वाले को भी कर सकता है? कर सकता है, बोलो भाई पक्का? हाँ, तो दायरा और बड़ा करते हैं। तो अब इस आदमी ने पहली सेल करी पुणे में, बोलो जी ये सेल कैसी आप बोलोगे? इंट्रा, ठीक है, और GST के लॉ में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगना है? CGST एंड SGST, महाराष्ट्र GST, 9% लग गया, इश्यू इज ओवर, खत्म। इसने दूसरी सेल करी दिल्ली में, तो अब हमने इसको क्या बोलना है? इंटर स्टेट सप्लाई, हाँ अच्छा, और इसके ऊपर अकॉर्डिंगली अब लग गया IGST 18, एक्सक्लूसिव बात आएगी ना, यस। अब इसने तीसरी सेल करी USA में, सब्जेक्ट को ना, ये आप इसकी ये ब्यूटी समझना सब्जेक्ट की है, आपको एक चीज समझ आएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, हाँ क्या लॉजिक के साथ सब सेट हुआ, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन दोबारा आपका मूड खराब करेगा भैया। इतना पढ़ा, इतने शब्द लिए, हाईलाइट कर लिए, बट फिर भी वैसे के वैसे ही खड़े हम तो। अच्छा GST, अब पेज नंबर 10 पर आओ जरा, देखो 246 से आपने पढ़ा था, अच्छा कितना पढ़ा, अच्छा देखते हैं जरा एक बार, जरा कोशिश करते हैं। पेज नंबर 10 खोल लिया जी, खुल गया सबका? हाँ, और हर लेक्चर के साथ थोड़ी थोड़ी ना स्पीड बढ़ाते जाना, आपको 2-3 लेक्चर तो मुझे समझने में लगेंगे कि मैं किस पैटर्न पर पढ़ाता हूँ। मेरे को अभी तक तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा शायद पढ़ने का तरीका ये रहता है, ये एक टॉपिक है और इसके नीचे इसकी 10 बातें लिखी, हमने 10 पढ़ ली और याद रख ली। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि तुम लोग कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए ऐसे पढ़ते हो, एक ही पेज खोलते हो तुम एक टाइम पर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब बदल लेना, क्योंकि फाइनल में आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक ना, इसको कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट कर दो और ये सब याद रहेगा, इसकी टेंशन मत रखना आप। अब 246 से आपने पढ़ा, बोल के भी मैंने पढ़वाया, 246 से मैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, चलो मैं सिखाना चाहता हूँ, आप बोलना साथ रखो बेटा, बोलने के कुछ फायदे होंगे, आपको समझ आएगा। हाँ जी, अब नहीं और नलायको, अब लीगल लैंग्वेज नहीं रिप्रोड्यूस करो, वो फर्स्ट टाइम पढ़ना था तब करी थी, मुझे तो अब क्रक्स बोलो क्या पढ़ा था आपने, लीगल लैंग्वेज मत बताओ ना, अब कल पढ़ ली थी वो, तो अब बताओ ना इसमें हमने क्या बात करी थी 246(a)(1), क्या इसमें हम कंकरेंट पावर दे रहे थे? Yes. और 2 में हम क्या कर रहे थे? सेकंड पॉइंट में बेटा हम क्या कर रहे थे? एक्सक्लूसिव, यही कर रहे थे ना? यस और नो? यस।
अब हमने और कुछ नहीं लिखा था, फर्स्ट एंड टू हमने ये लिखा था, ठीक है। वैसे नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी है, बट उसका मेरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप इग्नोर समझो। 246 एम में दो बातें लिखी थी, और जिसमें से सेकंड बात ये कह रही थी, इंटर स्टेट हुई तो पार्लियामेंट बात करेगी, और इंट्रा स्टेट हुई तो दोनों बात करेंगे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना? यस। अब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इस आदमी ने तीन सेल करी, तीन सप्लाई, एंड वंस अगेन बिल्कुल सिंपल है, लोकल कर दी, इंट्रा है हम समझते हैं, दोनों सेंटर और स्टेट लगा देगा। दिल्ली में कर दी, हम बिल्कुल समझते हैं, इंटर स्टेट है, आईजीएसटी लग जाएगा। उसने यूएसए में करी, अब बस मुझे ये बताओ क्या ये इंट्रा स्टेट है? किसी को डाउट है या पक्का? पक्का या इंट्रा स्टेट नहीं, क्योंकि इंट्रा स्टेट का मतलब तो क्या होगा, स्टेट में ही निपट जाए। क्या ये इंटर स्टेट है? क्या ये इंटर स्टेट है? आप कुछ मत लिखना, मैं कह रहा हूं बेटा इसने यहां लोकल कर दी, बहुत अच्छे बच्चे हो, ये आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, ये इंट्रा स्टेट है। इसने यहां दिल्ली वालों को भेज दी, यहां भी आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया आ गया, इंटर स्टेट है। अब बात आ गई साहब, इसने यूएसए वालों को भेजी, क्या ये इंट्रा है? ये तो पक्का मेरे ख्याल से सारे अग्री करेंगे नहीं है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहां पर अटकेगा, क्या ये इंटर है? और सब एनर्जी से जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं लग रही इंटर? इंटर स्टेट की क्या इमेज है आपके माइंड में? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यही है? यस। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना बेटा, मैंने आपको नहीं बताया कि इंटर स्टेट का ये मतलब होता है। क्या हुआ यार, मैंने बताया आपको नहीं? ये आपने क्या समझा? कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉमन सेंस से आपने समझा, ठीक है। मैंने कहीं आज तक पूरे लेक्चर में नहीं बोला कि ये इंटरस्टेट है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, सुनना, गवर्नमेंट बैठी है सोचने, उन्होंने बोला अगर ये यूएसए वाली सेल इंट्रा भी नहीं है जो आपने बोला कॉमन सेंस पर, और इंटर भी नहीं है जो आपने बोला कॉमन सेंस पर, तो इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? अगर ये इंट्रा भी नहीं होगी और इंटर भी नहीं होगी, तो बेटा ना तो इस पर 246 ए 1 लगेगा, ना इसके ऊपर 246 ए 2 लगेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा? ये भी नहीं लगा, ये बेटा बोलो ना, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या ये सप्लाई टैक्स के दायरे से ही, बोलो बोलो, समझ रहे हो सही से, क्या बाहर हो जाएगी? यस भाई, क्योंकि 246 से में दो ही बात है ना, या तो आप वन में बात करोगे या आप टू में बात करोगे। तो उन्होंने कहा अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग से डेफिनेटली ये इंट्रा भी नहीं है, इंटर भी नहीं है, बट देन इन दैट सिचुएशन 246 से 1 और 2 कुछ भी नहीं लगेगा, फिर इस सप्लाई पर कोई जीएसटी पिक्चर में ही नहीं आएगा। फिर क्या रहता है, कभी कभी थोड़ी सी हवस होती है, गवर्नमेंट को मान लो थोड़ी सी आवाज आ गई, उन्होंने बोला नहीं नहीं छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पकड़ लूं। सुन, लोगों के घरों से हमने पैसे ले लिए तो ये तो फिर अलग बात है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो इसको टैक्स करेंगे, ऐसा थोड़ी देर के लिए मानो। मान लीजिए गवर्नमेंट के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे तो टैक्स लेना है, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए बेटा मान लो उनका थॉट प्रोसेस है नहीं हमें तो इस पर टैक्स की बात करनी है, तो गवर्नमेंट को इसे क्या इंट्रा या इंटर कहीं ना कहीं फिट कराना पड़ेगा। टैक्स लेने का मतलब क्या है, या तो इसे इंट्रा बोलो ना फटाफट से, या फिर इसे इंटर, क्या कहीं ना कहीं फिट कराना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट इसे चाह करके भी इंट्रा में फिट कराना बेटर समझे या इंटर? इंटर पक्की बात है। यस। और बेटा इंट्रा क्यों नहीं? क्योंकि इन एनी केस स्टेट के अंदर है या स्टेट से तो बाहर ही है, स्टेट से तो बाहर ही है, तो गवर्नमेंट ने इसका जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट डाला होगा, आप मेरी बात समझे, इसको भी उसने क्या इंटर स्टेट में क्वालिफाई कर दिया होगा। हाँ, am I clear? Yes. अच्छा, अब जीएसटी काउंसिल आपको याद है मैंने कल समझाया था, 2016 में ही हमने बना दी थी,
कि भाई हम जीएसटी बनाने वाले हैं तो हमें क्या क्या बातें करनी है. तो काउंसिल, आप समझो काउंसिल बैठी हुई है और काउंसिल ने बोला जी एक आदमी तीन तरीके का ही तो काम करता है और हमें इस पर टैक्स की बात करनी है. तो काउंसिल, ये जो यूएसए की सेल हो रही थी ना, इस पर डिस्कशन चल रहा था काउंसिल में. तो काउंसिल वाले बोले कि अब हम जो है ये यूएसए वाली सेल को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे. और सारे लोग बैठे होते हैं सेंटर और स्टेट के, तो उन्होंने बोला किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो. तो थ्योरी में एज्यूम कर लो, मान लो ममता जी खड़ी हो गई, तो ममता जी बोली भाई इंटर क्यों मान रहे, इंट्रा मान. तो काउंसिल वाला बोला जी इंट्रा नहीं मान सकते ना, ये स्टेट में कंप्लीट नहीं हुआ. तो ममता बोली वैसे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं है, या तो कंट्री चेंज हो गई, तो वैसे तो ये इंटर स्टेट भी नहीं है. तो जब तू मान ही रहा है, जब तू मान ही रहा है तो फिर इंटरा मान ले. उसने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं इंटर मानता हूँ. ममता बोली बहुत प्रॉब्लम है, अगर इंटर है तो तू एक्सक्लूसिवली टैक्स करेगा. बोले अगर इंटर है तो मोदी भाई एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, और अगर इंटरा है तो भाई भी बात करेगा, बहन भी बात करेगी. तो जीएसटी काउंसिल वाला बोला नहीं 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 ऐसे नहीं चलता, बैठो तुम अपना यही हम इंटर ही मानेंगे. उसने बोला नहीं ऐसे कैसे. तो बेटा अब संविधान ने एक बहुत बड़ा काम ये और किया, संविधान ने एक और आर्टिकल बनाया और उसमें ये लिखा कि एक सप्लाई को इंट्रा मानना है या इंटर, वो तय करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास रहेगा. क्या बोली मैंने लाइन, दोबारा रिपीट करो. किस सप्लाई को इंट्रा मानना है, किसको इंटर मानना है, वो तय करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास रहेगा. 246 ए के नीचे एक और आर्टिकल है बेटा, दिख रहा है आपको 246 से, उसी पेज पर, पेज नंबर 10 पर ही बात कर रहा हूं. आर्टिकल 286 दिख रहा है, यस. टाइटल बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. इसका ना पहले सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्ट बाद में पढ़ेंगे, सेकेंड बोलना, बोल के पढ़ो. पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द वेज मेंशन्ड इन क्लॉज वन. मतलब क्लॉज वन में बेसिकली इस बात का जिक्र था कि वो इंट्रा इंटर कैसे है. तो सब ये जो सेकेंड पॉइंट है ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, कि एक सप्लाई कैसी सप्लाई है, इंट्रा है इंटर है, कैसी सप्लाई है, उसको डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल्स कौन बनाएगा, स्टेट वाले बना पाएंगे या वो पार्लियामेंट ही लेट डाउन करके देगी. पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सप्लाई इंट्रा है या इंटर है वो पार्लियामेंट के बनाए गए प्रिंसिपल्स के हिसाब से तय होगा. अब उन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर वो इंट्रा है तो टैक्स दोनों कर लेंगे. मेरी लाइन समझ पा रहे हैं, सप्लाई इंटर बनी या इंट्रा वो कौन तय कर रहा है, पार्लियामेंट. अब उसके बाद उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो क्या बनी और टैक्स किसने करना है वो चीज कौन हैंडल करेगा. मैं दोबारा बोलता हूं, आर्टिकल में बात करना, इंट्रा है इंटर है, प्रिंसिपल बनाएगी पार्लियामेंट. आर्टिकल 286, इंट्रा है तो दोनों टैक्स कर लो. 246A1 नहीं आया, इंटर है तो सिर्फ पार्लियामेंट टैक्स करे. 246A2. बेटा आप मेरी रफली बात अगर समझे हो तो बेटा आर्टिकल 286 का रोल कहां आएगा इस डायग्राम में, इंट्रा है या इंटर है ये तय कहां से होगा, आर्टिकल 286.
पॉइंट क्लियर है? कुछ रफ थोड़ा बहुत? अब थोड़ा और बेटर प्लेस करता हूँ मैडम. अब जीएसटी के लिए मेरे को दो मेन आर्टिकल है, 246 से एंड 286, जिनके दोनों के बेसिस पर कहानी चलेगी. तो बेटा अब सुनना एक बार फिर से ध्यान से, एक बार छोटी लास्ट मेहनत हो रहा है. 246 ए का एक बार फिर से सिर्फ टाइटल बोलना, सिर्फ टाइटल, स्पेशल प्रोविजन एज टू जीएसटी. 246 से बता रहा है कि जीएसटी के स्पेशल प्रोविजन ये है, कंकरेंट स्पेशल बात आ गई, ठीक है. 286 का स्पेशल एक बार फिर से टाइटल बोलना, 286 का रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन का मतलब आप समझते हो? रेस्ट्रिक्शन ये बेटा जीएसटी को मतलब लगाने वाली बात को आगे ले जाना चाह रहा है या ना लगाने वाले? ना लगा. रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. देखो 246 ए ने क्या बोला था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी, इंट्रा होगी, ऐसे कर लो, ये जीएसटी लगा दो, इंटर होगी, ये लगा दो. अब 286 कह रहा है लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन हम दे रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है. अब पॉइंट नंबर वन इंटरेस्टिंग बोल के पढ़ते हैं जी. चलो सारे मेहनत करो. नो लॉ ऑफ अ स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. बस टेक अ ब्रेक बेटा, लाइन के हिसाब से अब हम क्या कह रहे हैं. जो पहली लाइन आपने बोली, स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या पार्लियामेंट, स्टेट 286 रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर. चलो बोलो अब इस पहली लाइन को कन्वर्ट करो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है? स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, बोलो बोलो, इम्पोज नहीं कर सकता क्या जीएसटी? क्या हुआ? अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसको सिंपल वर्ड में क्या बोल दूं? जीएसटी. तो लाइन क्या कह रही है, स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इम्पोज जीएसटी को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसके ऊपर? जरा आगे अब बोलो लाइन को. व्हेन अ सप्लाई, बोलो बोलो फटाफट से, टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. एक आदमी की तीन सेल है, फिर से मेहनत करेंगे, लोकल दिल्ली वाले को, यूएसए वाले को. अच्छा अब ये महाराष्ट्र वाला जो है इस आदमी के लिए एसजीएसटी एक्ट बनाना चाहता है, ठीक है, स्टेट जीएसटी लगाना चाहता है. तो बेटा हमने महाराष्ट्र वालों को क्या बताया है आर्टिकल 286 में, कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जीएसटी के लिए, आप बोल नहीं पा रहे हो यार, बोलो ना, कोशिश करो ना. मैं ये कह रहा हूँ जी, हमारे चीफ मिनिस्टर के मन में है, महाराष्ट्र वाले के मन में, कि हम तो सभी पर लगा दें, हमें तो मजा है सब पे लगा दें, लेकिन 286 क्या महाराष्ट्र पर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है? बोलो ना अब क्या, कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन आएगी? ये जो लोकल बिक रहा है इस पर आ रही है रेस्ट्रिक्शन? टाइम लगा रहे हो यार, लोकल बिक रहा है इस पर आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही. बेटा ये दिल्ली में जो बेचा या ये यूएसए में बेचा, क्या इस पर रेस्ट्रिक्शन आ रही है? जब वो दिल्ली बेचता है तो भी बेटा क्या सेल आउटसाइड महाराष्ट्र हो गई? यस. उसने यूएसए बेचा तो भी क्या वो आउटसाइड महाराष्ट्र हो गई? यस. और इनफैक्ट जो बाहर बेचा क्या वो एक्सपोर्ट भी हो गई? यस और नो? यस. तो आर्टिकल 286 ने इनडायरेक्टली बेटा समझे आप क्या कह दिया, स्टेट से बाहर वाला कुछ भी टैक्स नहीं करोगे, भले ही वो दूसरे स्टेट में जा रहा हो, भले ही वो दूसरे देश में जा रहा हो, भले ही वो दूसरे स्टेट में जा रहा हो, भले ही वो दूसरे देश में जा रहा हो, स्टेट से बाहर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको आप हाथ नहीं लगाओगे. इसका मतलब क्या हो गया, जो भी एसजीएसटी लगेगा वो बेसिकली सिर्फ स्टेट्स के अंदर ही लगेगा. और ये बेटा इन्हें लिखना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था उधर से आर्टिकल 245 ने पहले ही बोल रखा है. ये मैं आर्टिकल बोलता हूँ आपका माइंड मूव तो हो जाता है ना, क्योंकि 245 ने उधर से पहले ही बोल रखा था कि आप बाहर वाली चीजों को टैक्स नहीं करो. यहां तक क्लियर हो गया? यस. अच्छा अब बेटा ये जो ये है
स्टेट से बाहर, भले ही दूसरे स्टेट में हो, भले ही दूसरे देश में हो, इसके ऊपर स्टेट को रेस्ट्रिक्शन है बेटा। क्या पार्लियामेंट, बोलो बेटा क्या पार्लियामेंट पर रेस्ट्रिक्शन है या उस पर नहीं है? उस पर नहीं है। पार्लियामेंट स्टेट के बाहर जा रही हो उस पर भी बात कर सकते हैं, बोलते जाओ बेटा फटाफट से। पार्लियामेंट दूसरे देश में जा रही हो क्या उस पर भी बात कर सकता है? और उधर से उसे 245 भी प्रॉब्लम नहीं देगा? बोलो क्लियर है, 245 भी प्रॉब्लम नहीं देगा। किस पर? दूसरे स्टेट वाले पर या दूसरे देश वाले पर, या दोनों पर ही नहीं देगा? दोनों पर ही नहीं देगा। तो बेटा पार्लियामेंट कहने का मतलब क्या, इन दोनों को पार्लियामेंट टैक्स कर सकती है। हाँ, और पार्लियामेंट को जब दोनों को टैक्स करना होगा तो बेटा अकॉर्डिंगली इन दोनों को वो किस में अब डाल देंगे? इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। एम आई क्लियर? तो बेटा अब हम इस बात को समझे, जो फर्स्ट इंप्रेशन में इंट्रा स्टेट का मतलब था और इंटर स्टेट का फर्स्ट इंप्रेशन में कॉमन जो मतलब था, क्या लीगली मतलब उससे कुछ अलग होगा? यस और नो? हाँ, इंट्रा का जो आपका कॉमन व्यू था आपने वही रखना है। यस और नो? इंट्रा का जो आपका कॉमन व्यू था आपने वही रखना है, बट इंटर स्टेट के लिए स्पेशल ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ स्टेट टू स्टेट की बात नहीं है, इसमें बाहर अगर चला गया तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और अगर इसे सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसको रफली ऐसे कह दो, इंट्रा वी आर वेरी मच क्लियर एंड समथिंग विच इज नॉट इंट्रा इज नहीं है। बात समझ में? इंट्रा वी आर वेरी मच क्लियर ना, सो समथिंग विच इज नॉट इंट्रा इज इंटर स्टेट, ठीक है। और ये जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है कि ये इंट्रा होती है, ये इंटर होती है, क्या ये बात मुझे कहीं लिखी भी मिलेगी किसी लॉ में? बताओ बताओ बताओ, कहीं लिखी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और मुझे बता सकते हो बेटा मुझे कौन से लॉ में लिखी मिलेगी? स्टेट किसी लॉ में लिखी मिलेगी, स्टेट लॉ में, या मुझे पार्लियामेंट के किसी लॉ में लिखी मिले? पार्लियामेंट के किसी लॉ में लिखी मिलेगी, क्योंकि 286(2) ने ये बोला था ना, 286(2) ने ये बोला था ना कि ऐसे ऐसे जो भी कैटेगराइजेशन है वो हम कहां लिखेंगे? वो लॉ जो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। और बेटा ये बेसिकली ये बात लिखी हुई है IGST एक्ट में, आर्टिकल 286(2) के नीचे आप लिख लीजिएगा IGST एक्ट। आपका जो आर्टिकल 286 था ना उसमें लिखा हुआ था पार्लियामेंट में बाय लॉ, आपने देखा मैंने बाय लॉ को अंडरलाइन कर रखा होगा, तो उस पर आप एरो लेकर के नीचे लिख लें जिस लॉ की ये बात चल रही है यहां पर, वो बेसिकली है IGST एक्ट। मैं क्लियर हूं सबको? अब सिंपली बस इतना ध्यान रखना, लॉजिक सारे सेटल्ड हो गए हैं। GST का लॉ, अब सिंपल जो सब्जेक्ट की मतलब स्टेट अवे आगे आपकी बात ध्यान में रखनी है, GST का लॉ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर GST लगाता है। GST लगाते टाइम सबसे पहले हम तय करेंगे कि सप्लाई इंट्रा है या फिर इंटर। उसको तय करने के लिए हमें कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा कि वो इंट्रा है या इंटर? मुझे कौन सा एक्ट मुझे कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? IGST एक्ट, ठीक है। अब बेटा आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई की परिभाषा जो दी गई है डायग्राम में आप लिख सकते हैं बेटा, ये दी गई है सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन है इसमें बेटा, दे हैव डिफाइंड व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रा स्टेट, और आपकी जो इंटर स्टेट है इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग वो दिया गया सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। Intrastate has been defined under Section 8 of IGST Act,
intrastate section 8 and interstate supply ka meaning definition that is under section 7. अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें आप सारे आर्टिकल्स मत ध्यान रखना. 246 ए इज द मेन विच यू आर सपोज टू रिमेंबर. बाकी बाय डिफॉल्ट याद रह जाए तो अलग बात है, बट 246 ए मैनस से याद रखना है. बस सेक्शंस की जब बात आएंगी तो सेक्शंस आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है. अब सुनो, लास्ट अपनी बात एक बार फिर से बोलता हूँ. जीएसटी आया, 246 ए ने बोला जीएसटी लगाना है. जीएसटी लगाने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर सपोज टू डू, अपने को सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उसको फिट करना है, इंट्रा या इंटर. और रफली अभी 7 और 8 बाद में हम और भी देखेंगे. रफली इंट्रा की अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है. जो इंट्रा नहीं है वो बेसिकली इंटर है. और हमारा उसमें वाइडर मतलब यह है, स्टेट से बाहर चली गई, भले ही दूसरे स्टेट में हो या भले ही दूसरी कंट्री में हो, वो हमारी बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है. अच्छा, द मोमेंट वी हैव कैटेगराइज दिस थिंग, तो फिर अगली बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन कौन से लगने हैं. बोलो बड़ा वर्ड से, कौन कौन से लगने हैं. CGST एंड SGST, ठीक है. अच्छा, CGST कौन से एक्ट के अंतर्गत लगा होगा. CGST एक्ट, SGST लगा होगा रिस्पेक्टिव जिस स्टेट की वो इंट्रा है, रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट में. अच्छा, ये दोनों एक्ट बेटा वैसे क्या लीगल प्रोविजन अलग अलग देंगे, डिफरेंट होंगे, या ये हार्मोनाइज होंगे. हार्मोनाइज, उसकी जिम्मेवारी किसने ले रखी है. बोल दिया, खत्म हो गई बात. किसने ले रखी है, जीएसटी काउंसिल ने, क्लियर है. और जहां सप्लाई इंटर स्टेट होगी वहां लगना है IGST अंडर IGST एक्ट, जिसने इंटीग्रेटेड टोटल कंबाइंड करके जो है वो लगा दिया. एम आई क्लियर. और IGST एक्ट के लीगल प्रोविजन वैसे आपको क्या लगता है, वो बहुत अलग होंगे या वो भी लगभग सेम ही होंगे. वो भी लगभग सेम ही होंगे, क्योंकि जीएसटी का टोटल फोकस क्या था, कुछ भी लगा लो लेकिन हार्मोनाइजेशन क्या हुआ था कि नहीं, ऐसा हार्मोनाइजेशन होना बिल्कुल जरूरी है. इज एवरीबॉडी क्लियर. अच्छा, 3-4 लेक्चर जब हो जाएं तो मैं तो जिस स्टाइल से पढ़ाता हूँ मैं उस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ. अब आप 3-4 लेक्चर के बाद मुझे बता देना कि ये आपको एडजस्टेबल है या नहीं है. मैं तो मान के चलता हूँ कि हाँ बच्चे समझ आ रहा होगा तो बड़ी से बड़ी बात समझ लेंगे. आपको अगर कहीं लगे नहीं यार अपने को तो बड़ी दिक्कत सी लग रही है, क्या बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा अभी तक. चलो, अब हुई ना दिल्ली वाले बच्चों वाली बात आप में. अच्छा, अब अगली बात सुनते हैं. अच्छा, अब एक ऐसी बात सुनते हैं जरा स्पेशल. अब वो हाइलाइटर वाले दोबारा से जिन्होंने 286 को हाईलाइट किया है, अब जरा उनके लिए एक क्वेश्चन. मान लीजिए इंडिया मिस्टर ए, तेजी अब बेटा मिस सुनो 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 ये बेटा मिस्टर ए, प्लीज प्लीज. अब ये एक ट्रेडर है, सुनो बेटा प्लीज. तो ट्रेडर क्या करता है बेटा, गुड्स बैक एंड से परचेज करता है एंड परचेज करके आगे सेल करता है. ट्रेडर की ये एक्टिविटी है. अब बेटा जो उसने परचेज किया उसको मैं बोल रहा हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए इनवर्ड सप्लाई, जो उसने सेल किया आउटवर्ड सप्लाई. अच्छा, अब इसकी सेल किस किस तरीके की हो सकती है, हमने आपको ये बता दिया. इसकी सेल जैसे ये इस पर्टिकुलर स्टेट में है तो इसकी सेल यहीं की हो सकती है, इस स्टेट से बाहर हो सकती है और इंडिया से भी बाहर. ये वाली हो गई इंट्रा,
अब तो स्पीड में बात कर लेता हूँ, ये हो गई इंटर, ये भी हो गई इंटर। बेटा इसकी परचेज कहाँ से होगी? क्या ऐसे ही तीन हो सकती हैं? यस, हो सकता है इसने पीछे लोकल यहीं से ही खरीदा हो, हो सकता है इसने दूसरे स्टेट से खरीदा हो, और हो सकता है इसने किसी दूसरी कंट्री से खरीदा। ठीक है, आप मुझे बताना, इसने लोकल खरीदा किसी से, अब सेल पर नहीं बात कर रहा, अब मैं परचेज पर बात कर रहा हूँ। पुणे के इस दुकानदार ने लोकल पीछे पुणे से खरीदा, तो बेटा जब ये इस परचेज को करके आया तो ये वाली परचेज, ये इनवर्ड सप्लाई जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये कौन सा हुआ? क्या इंट्रा स्टेट का हुआ? बिल्कुल, ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। अच्छा, और बेटा जिस आदमी ने इसे बेचा होगा, यहाँ जो भी रहा होगा, उसने इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, क्या उसने जीएसटी भरे होंगे? यस, वही सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, खत्म। अच्छा, ये अगर दूसरे स्टेट से लाया होगा, लेट्स सपोज यूपी वालों से इसने खरीदा हुआ, तो ये वाली सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी। यस, इस पर आईजीएसटी आया होगा, यूपी वाला जिसने बेचा उसने आईजीएसटी जो होगा वो पे कर दिया होगा। अच्छा, और इसकी तीसरी परचेज है बेटा यूएसए से, ये इसकी, ये वाली जो सप्लाई है बेटा वो बाहर वाले ने जब इसको बेचा है, यूएसए वाले ने अब की बारी से बेचा है, तो बेटा ये इसकी कैसे इनवर्ट सप्लाई है, इंट्रा या इंटर? इंटर, क्या हुआ? जल्दी बोलो यार, बड़ा वर्ड से, इंट्रा या इंटर? इंटर, कंफर्म हो? डाउट में क्यों हो? देखो, जब लोकल खरीद रहा था तो जिसने लोकली से बेचा वो आराम से बोलेगा कि, वो आदमी बोलेगा मैंने इंट्रा सप्लाई कर दी, टैक्स भर दो। यूपी वाला जब इसको बेचता है तो वो भी बोलेगा मैंने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, भर दो। यूएसए वाला जब इसे बेच रहा है तो यूएसए वाला बोलता भाई साहब इंट्रा इंटर आपके यहाँ होगी, इंट्रा इंटर आपके यहाँ होगी, मैं यूएसए में इसे बेच रहा हूँ, मुझे आपके इंट्रा इंटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके, बोलना पड़ेगा बेटा, इंट्रा इंटर से कोई लेना देना नहीं है। बाद में बोला आप यहाँ जो मर्जी करते रहो, आपको मेरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने बोला भाई तू बाहर है कोई बात नहीं, बट हमने खरीदा है, हमारा एक रिश्ता बन गया है, बन गया नहीं बन गया? यस। और जब हमारा रिश्ता बन जाता है तो हम रिश्तों में कुछ भी कर सकते हैं। आप सीधा सोचा करो भाई। हाँ जी, तो हमारा यहाँ एक नेक्सस है, एंड वंस द नेक्सस इज एस्टेब्लिश, तो फिर तो हम इसको भी, अगर चाहे तो हम इस सप्लाई को भी टैक्स कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ते वाली बात कहाँ पड़ी थी? कोई बात नहीं, वो कौन सा आर्टिकल था जो ये कहता था? हो रहा है कंफ्यूज हो रहा है। रिश्ता अगर निकल जाएगा तो हम टैक्स कर सकते हैं, आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 बेटा, 286 टैक्स लगाने की बातें कहता था या टैक्स ना लगाने की बात कहता था? ना लगा। अब बेटा मैं आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ना लगाने का या लगाने का? लगाने का। तो 245 ये कहता था कि अगर आप नेक्सस एस्टेब्लिश कर सकते हैं
तो क्या आप बाहर वाले ट्रांजेक्शन भी कवर कर सकते हैं? यस और नो? यस। सो लेकिन आप सबको ये भी पता है टैक्स तो लगाया जा सकता है, बट रिश्ते के बेसिस पर बाहर के भी आप ट्रांजेक्शन टैक्स कर लो, ये पावर स्टेट नहीं कर सकता। फिर रह गए वो पावर, वो रिश्तों के बेसिस पर वो पावर किसके लिए थी? पार्लियामेंट के लिए। और अगर आप बात समझ गए हो तो बेटा ये ट्रांजेक्शन अगर हमने टैक्स करना होगा तो इसे हम कंकरेंट पावर यूज करके करेंगे या एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट की यूज। एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव पावर का मतलब बेटा हम इसे इंट्रा में डालें या अगर हमें टैक्स करना हो तो हम इसे इंटर स्टेट में ही डालें, इंटर स्टेट में ही डालें। और बेसिकली इनडायरेक्टली अब मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो अगर कभी बाहर से जो गुड्स है जिसको आप इंपोर्ट भी बोलते हैं, इंपोर्ट का मतलब ये होता है ना बाहर के देश से लाए, तो अगर कभी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन हुआ और हम नेक्सस के बेसिस पर हमारा मन आ रहा है नहीं नहीं अगेन हमारे में हवस आ रही है हमने जीएसटी लेना है, तो उस जीएसटी को लगाने के लिए जो अल्टीमेटली अगर जीएसटी लगाने का हमारा मन किया तो अल्टीमेटली बेटा वो स्टेट लेजिस्लेचर कभी पिक्चर में नहीं आएगा। क्या स्टेट वाले को हमको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है कि यहाँ तुम हवस मत करो? यस, क्या आर्टिकल 286 ने ऐसा कर रखा है? दोबारा देखो पॉइंट नंबर 1, पूरा पढ़ो समझ आ गया हो तो। पॉइंट नंबर 1 पूरा पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से बात में जो कहना चाह रहा हूं। आई बेटा कुछ बात समझ में? 286 ने स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। क्या क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया था? अब समरी बोलना, टेक्निकल वर्ड नहीं, बिल्कुल आसान से सिंपल लैंग्वेज वाले वर्ड। स्टेट से बाहर जा रहे हैं, हाथ नहीं लगाओगे, और इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टेट तुम कहीं पिक्चर में नहीं आओगे। पॉइंट क्लियर है ना? तो बेटा अगर आप समझ गए हो तो ये जो अगर मुझे इसको टैक्स करना है, आप समझ गए हो हम इसको अगर हमने टैक्स करना है, स्टेट कहीं पिक्चर में नहीं आएगा, सिर्फ पार्लियामेंट कर पाएगी, और पार्लियामेंट कर पाएगी इसका मतलब ये सप्लाई भी वो कहाँ कैटेगराइज करेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर कोई मेरी बात बिना किसी टेक्निकल मेहनत के समझ सकता हो तो कैन यू नाउ टेल मी इंटर स्टेट सप्लाई की क्या परिभाषा है? अगर आप रफली समझ गए हो, स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है वो भी, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके बोलो, दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में दो कैटेगरी हो सकती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को शायद? डोमेस्टिक में दो कैटेगरी हो सकती है, इंट्रा इंटर। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एक ही कैटेगरी है, दैट इज इंटर स्टेट। आई बिलीव आई एम क्लियर। यस, बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो ये मेंशन कराया ना कि एक्चुअल में ये परिभाषा इनकी व्हाट इज इंट्रा व्हाट इज इंटर वो सेक्शन 8 और सेक्शन 7 में है, तो वो जब हम पढ़ेंगे लेटर ऑन वो अब आपको उस टाइम पर बड़ा टाइम बचेगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी के साथ समझ आएगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ठीक, अच्छा, अब सरकार से किसी ने पूछा बाहर से लाए तो भी इंटर, बाहर बेचा तो भी इंटर। उन्होंने कहा, अब नया कंसेप्ट है जरा इस पर पूरा ध्यान रखना, उन्होंने कहा अब ऐसे बात करते हैं, तुम अगर बाहर से लाए यूएसए वाले से तुम खरीद के लाए तो तुमने कह दिया जी ये इंटरस्टेट सप्लाई है, हमने बोला क्या करोगे तुम इसे इंटरस्टेट सप्लाई मान के, तो उन्होंने बोला करना क्या है इंटरस्टेट सप्लाई माना है आईजीएसटी लगाएंगे, हमने बोला किससे लोगे तुम आईजीएसटी, हमने बोला वो उसने जिसने सप्लाई करी है। रिएक्शन लिया करो बेटा बात का। हमने बोला, दोबारा बात करते हैं, हमने बोला तुमने इंपोर्ट को क्या बोला? इंटर। मैं पूछ रहा हूं, मेरे क्वेश्चन पर अटेंशन रखना। हमने बोला क्या करोगे इसे इंटर मान के, उसने बोला क्या करना क्या है इंटर है अब आईजीएसटी लगाएंगे, हमने बोला अच्छा
हमने बोला किससे लोगे? हमने सप्लायर से लेंगे और किससे लेंगे? जीएसटी कौन देता है? सप्लायर। हमने बोला ले पाओगे? मैंने क्वेश्चन दिया, पता नहीं रिएक्शन क्यों नहीं आया। क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम बोलो, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी मुझे बोलो ना फटाफट से, प्रॉब्लम क्या आएगी? जिससे लेना है वो कहाँ है? यूएस। और अभी भी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम यूएसए वाले से लेक्स ले। हम क्वेश्चन को फिर तीन सिरे देता हूँ बेटा। मैंने अब जो मैंने खरीदा था ना, मैं फिर बोलता हूँ, मैंने जब पुणे वाले से ही खरीदा था तो ये कौन सी सप्लाई थी? इंट्रा। हमने इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लेने, किससे? सप्लायर। क्या ले पाएंगे? हाँ, पुणे में नहीं देगा, बता देंगे उसे। मैंने यूपी वाले से कुछ खरीदा, सप्लाई कौन सी है? इंटर। क्या लेना है? आईजीएसटी। क्या ले पाएंगे? हाँ बिल्कुल ले पाएंगे, नहीं हुआ तो योगी जी देख लेंगे, दे देंगे। अब तीसरी हम बाहर से लाए, अगेन दैट इज इंटर। लेना है हमें आईजीएसटी। अगला नहीं दे रहा मान लो, वो कहते जो हो सके कर लो। हमने बोला भाई टैक्स दे। अच्छा, सबसे पहले जब कोई टैक्स नहीं देता तो प्रैक्टिकली पता है क्या होता है? एक नोटिस जाता है, शो कॉज नोटिस उसे हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं भैया आपने इंट्रा या इंटर कुछ काम किया, तुम्हें टैक्स देना था यार, तुमने नहीं दिया, अच्छी बात नहीं है, दे दो। हमारी नज़रों में तो टैक्स तुम्हारा देना बनता है, इस नोटिस के मिलते ही तुरंत चले आओ और बताओ कि तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया। और अगर तुम्हें समझ आ गई है बात की टैक्स देना था तो दो और मामले को खत्म करो। ऐसे ही होता होगा ना कुछ? यस। तो हमने यूएसए वाले को बोला भैया चले आओ। बोला बिजनेस क्लास चाहूंगा, टिकट भेजनी है। हमने बोला भाई हमको टिकट भेजेंगे तू आ जा। बोला मैं नहीं आ रहा। हमने बोला अच्छा तुम नहीं आ रहे, हम तुम्हारा प्रॉपर्टीज वगैरह की सेल करेंगे। उसने बोला कहाँ? कहाँ पर? यूएसए में। बोला तुम्हारे वाले तो पैसे ले लेके बाहर जा रहे हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा तुमसे। मान लिया तो थे ही, अब कल परसों नया भी शामिल हो गया है, नीरव मोदी। लोग तो बड़े होंगे, नाम धीरे धीरे आएंगे, हर साल में एक आधा आता रहेगा। खैर हाँ जी, तो कह रहे तुमसे अपने वाले तो संभल नहीं रहे, जो तुम्हारे यहाँ पर ही सप्लाई करके बिना टैक्स दिए चले जाते हैं तुमसे, वो तो संभल नहीं रहे, और बात कर रहे हो यूएसए वालों से। प्रैक्टिकली आप समझते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद और बात सुनना। गवर्नमेंट बोली टैक्स तो हमने लेना है, तो सप्लायर बोला भाई कह तो रहा हूँ ना, बस की हो तो ले लो। गवर्नमेंट बोली, सुनो आप जरा ध्यान से, उन्होंने बोला भाई हवस की पूर्ति तो जरूरी है, टैक्स तो लेना है। अब जहाँ तक बात ये रह गई, तुम हमारी हदों से बाहर हो तो तुमसे नहीं लेंगे, तुम हमारी हदों से बाहर हो तो हम तुमसे नहीं लेंगे। ये जो खरीद के लाया है, ये जो खरीद के लाया है, ये तो यही है, इसी से ले लेंगे। अब बेटा बाहर वाले को छोड़ दिया उन्होंने, अब जिससे खरीदा था उसको उन्होंने कहा भाई टैक्स दो। खरीदने वाला बोला किस चीज का? उसने बोला तुम बाहर से लाए। उसने बोला भाई साहब मैं लाया तो मैं बेचूं तो टैक्स लो, मैं खरीदूं उसका टैक्स मैं क्यों दूं? उसने बोला बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम सप्लाई करोगे तो तुम्हें देना है, बट अब जिसने सप्लाई करी है वो बाहर है ना, उससे नहीं ले पा रहे, तो उसकी कमी तुम्हें पूर्ति करनी पड़ेगी। अब आदमी बोला ऐसे कैसे तुम मुझसे टैक्स कर लोगे, तुम्हें सप्लायर से ही लेना है। तो एक बड़ी बात सुनना बेटा। अब ऑफिसर उसको बोलता है भाई मेरी बात सुन, जीएसटी जो है ना
वो सप्लायर पर नहीं है, सप्लाई पर है। फिर से कमी रह गई रिएक्शन। इनकम टैक्स इनकम पर था, पर्सन पर नहीं था। जीएसटी सप्लाई पर है, सप्लायर पर नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इस पर आईजीएसटी बन गया। अब बात ये रह गई कि हमने लेना किससे है, तो उसने बोला वो हमारी मर्जी, सप्लायर समझ आएगा तो सप्लायर से ले लेंगे और रेसिपिएंट समझ आएगा तो हम रेसिपिएंट से ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस वर्ड को आपने अप्रिशिएट करना था, जीएसटी इज नॉट ऑन सप्लायर, जीएसटी इज ऑन सप्लाई। अच्छा ये बात अलग है, आपका दिमाग अभी इस कंसेप्ट को इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपके दिमाग में ये बात जरूर जुड़ी हुई होगी कि नहीं सप्लायर को देना है, नॉर्मल तो यही होता है। बट बेटा हमारे टैक्सेशन लॉ में एक स्पेशल कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट जिसको टैक्स कलेक्ट करना होता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भाई सप्लाई पर टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि उसको ये टैक्स आसानी से कैसे कलेक्ट हो सकता है। अगर उसे सप्लायर से आसानी से कलेक्ट होता है तो सप्लायर से ही करना चाहिए, जो कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगे नहीं सप्लायर से कलेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो फिर गवर्नमेंट इज फुली एंटाइटल्ड कि वो अब सप्लायर की बजाय रेसिपिएंट से टैक्स ले ले। इस कंसेप्ट को बेटा हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज इसको हम कैसे बोलते हैं वो समझिएगा। सप्लाई हुई, टैक्स आया, चार्ज आया। सप्लाई हुई, इंटरस्टेट सप्लाई हुई, क्या चार्ज, लायबिलिटी, टैक्सेशन अट्रैक्ट हो गया। यस, अब नॉर्मली आप लेते हैं सप्लायर से, लेकिन आपने सप्लायर से लेने की बजाय रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया चार्ज, मतलब किस पर डाल दिया, रेसिपिएंट पर। तो मैकेनिज्म का नाम क्या हो गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे जब हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली आपको ये लॉ में लिखा हुआ नजर आएगा कि इस तरीके का पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मली टैक्सेस पेबल बाय सप्लायर, नो डाउट, बट इन केसेस जहां गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम लगे वो जो है वो डेफिनेटली रेसिपिएंट से भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है। उसने बोला भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने बोला भाई साहब सुनो ना, हमारे बच्चों ने इनकम टैक्स भी तो पढ़ा था, इनकम टैक्स किसको देना था, जिसने इनकम कमाई। बट बेटा क्या हमने कभी, उसने जिससे कमाई उससे ले लिया, सुनना जरा ध्यान से मिस्टर, अच्छा मेरे एग्जांपल से समझ लो, मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, मैंने इनकम कमाई, टैक्स किसको देना मैंने, बट क्या मेरा टैक्स अभिषेक सर ने दिया, नलायक मेरा टैक्स क्या, बोलो बेटा अभिषेक सर ने दिया नहीं दिया, टीडीएस जब उन्होंने दिया तो वो बेसिकली क्या है, क्या वो मेरा टैक्स काट करके दे दिया, यस। तो उन्होंने बोला कभी कभी हमने डायरेक्ट टैक्स में मजे ले लिए, क्या जिसने कमाया उसको देना था, उसकी बजाय जिससे कमाया उससे ले लिया, और वो हमने इसलिए ले लिया बिकॉज हमारा वहां भी कोई ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हमें किससे लेना होता है, सप्लायर से। लेकिन हमारा जब कभी हमने ये देखा ना, डीटी वालों ने हमारी जैसी बात कर ली तो हमारा कभी मन करेगा तो हम भी तो उल्टी बात कर लेंगे, हमें लेना किससे था, सप्लायर से, बट हमारा कभी मन किया तो फिर हम रेसिपिएंट से भी कलेक्ट कर लेंगे। और हमने बोला अब हमें ये कैसे पता चलेगा एक्चुअल में किसको देना है, तुम्हारा मन क्या है। उन्होंने बोला देखो नॉर्मल रूल तो यही चलेगा सप्लायर ने देना है, अगर हमें रेसिपिएंट को पकड़ने का मन है तो हम बताएंगे, बताने का मतलब हम नोटिफाई करके बताएंगे कि किन सिचुएशन में हम उस आदमी से टैक्स लेना चाहते हैं। तो अगर हमने बोल रखा है आप उस सिचुएशन में आ रहे हो तो उधर बात आ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग सबकी होती है वही जो होगी वो प्रिवेल करेगी, बात ध्यान रख पाएंगे। अच्छा ये सारा जो भी चल रहा है ना इसके लिए टेंशन नहीं लेना, मैंने देखा कई बच्चे बेकरार रहते हैं, यार लिखना क्या है, इसमें से पेन रुक रहा है बार बार लोगों को,
वो पेन उठाते हैं, फिर थोड़ी बार रुक जाते हैं, समझ नहीं आ रहा लिखना कितना है। तो अभी उसकी टेंशन ना लो, वट एवर आई एम टीचिंग टू यू, वो बुक में सब सीरियल वाइज जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वो प्रिंटेड मिलेगा, उसकी टेंशन अब ना ले। अच्छा चलो, ये मुद्दा भी अब एक बार के लिए थोड़ा सा सॉल्व हुआ। अब फिर किसी ने अगली बात पूछी, उन्होंने बोला बाहर से लाए तो भी इंटरेस्ट जीएसटी दे, बाहर बेचा रिएक्शन में कमी रहती है यार, अब रिएक्शन फास्ट लिया करो, बाहर से लाया तो भी जीएसटी, बाहर बेचा तो भी जीएसटी। अब मुझे जरा आंसर करना, अगर कर पाओ तो, वैसे आई बिलीव आप कर लेंगे। बेटा ये आदमी यूएसए से लाया इंटरस्टेट, इसने बाहर बेचा इंटरस्टेट, वंडरफुल बेटा। अब इंटरस्टेट जैसे बाहर से लाया इंटरस्टेट आईजीएसटी, हमने आईजीएसटी किससे लिया बेटा, बाहर वाले से या इससे ही ले लिया, इससे ही ले लिया। अच्छा, और बेटा इस आदमी से हमने इसलिए लिया बिकॉज बाहर वाले से लेना पॉसिबल नहीं था। और बेटा बाहर वाला पता है, बाहर वाला इसको जब भी गुड्स बेचेगा तो वो बोलेगा भाई जो तुम उससे खरीद रहे उसका जीएसटी मुझे नहीं देना, तो मैं तुझसे जीएसटी लूंगा भी नहीं। बोलो बोलो आंसर दो, यस और नो? यस, मैं तुझसे जीएसटी के नाम का कोई भी पैसा नहीं लूंगा, मुझे तो जो मेरे गुड्स की कीमत चाहिए वो दे दे मुझे मेरे गुड्स की। सिंपल, लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख रुपए के तुम मुझसे गुड्स खरीद रहे हैं, तो मुझे तो तू 10 लाख दे दे, मैं तेरे से जीएसटी नहीं ले रहा। 10 लाख के गुड्स है, जीएसटी जो होगा वो तुझे डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को भरना है। यस नो? यस। अच्छा, इसने बोला ठीक है, अब मान लो 10 लाख के ऊपर 28% जीएसटी था, लेट्स सपोज इसने 2,80,000 का आईजीएसटी भर दिया। अब बेटा ये आगे एक्सपोर्ट करता है, लेट्स सपोज अब ये बाहर बेचता है, तो बेटा अगेन दिस इज इंटरस्टेट, दिस इज आईजीएसटी, किससे ले? अब जैसे बाहर वाले ने बेचा था तो हमसे ले लिया था, तो ऐसा हम बेच रहे तो अब बाहर वाले से ले लें। या इसी से ही लेंगे, इसी से ही, बाहर वाले से क्यों नहीं? बाहर वाले से लेना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो। तो मैं आपसे पहले तो ये बोल रहा हूँ, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहाँ क्रिएट करूँ, बाहर से लाने पर या बाहर भेजने पर? बाहर से लाने पर या बाहर भेजने पर? बाहर से लाने पर। अच्छा, कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट यू बी एबल टू रिमेंबर बिकॉज हर एक में लॉजिक है कि हाँ भाई बाहर से ला रहे हैं तो हम उससे नहीं ले सकते, इसलिए हमने इससे लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात और इंटरेस्टिंग इसमें आई। अभी बोला भाई साहब मैं बाहर से लाया तो भी मैं जीएसटी दूँ, मैं बाहर बेचूँ तो भी मैं जीएसटी दूँ। हाँ, बोला तो क्या तकलीफ है, दो ना, क्या टेंशन है? बोला नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ यूएसए से इंडिया में आएगा तो भी इंडिया को टैक्स मिलेगा, इंडिया से यूएसए में जाएगा तो भी इंडिया को मिला। उसने बोला यूएसए वाला कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा? एक नया क्वेश्चन फिर खड़ा हो गया। बोले अब मैं समझ नहीं पा रहा, यूएसए से इंडिया आया, इंडिया ने कहा हम लेंगे जीएसटी, अब इंडिया से यूएसए जा रहे हैं, इंडिया कह रही है हम फिर लेंगे जीएसटी। उन्होंने बोला वो यूएसए वाला क्या करेगा? अब हमने बोला भाई तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है, तू अपने बारे में सोच। उन्होंने बोला नहीं मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, थॉट प्रोसेस लेना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो उसने बोला अब जैसे भारत सरकार तुम हवस के पुजारी हो, तो उसने बोला थोड़ा बहुत तो ट्रंप के मन में भी आता होगा। उसने बोला ट्रंप क्या करता होगा? तो मैंने कहा जी देखो अब सुनना बेटा, एक नया कंसेप्ट बनेगा बड़ा अच्छा सा। अब बेटा मान लीजिए हम यहाँ कहें थोड़ी देर के लिए, यहाँ हम इंडिया रख दे या हम यूएसए को प्लेस कर दे। बेटा यूएसए से इंडिया माल आ रहे,
बेटा तो इंडिया में ये इम्पोर्ट है, ये इंटरस्टेट है, हमने इस पर IGST की कहानी लगा दी है। यस बेटा, ये USA के लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट। USA वाला भी इसे अपने यहाँ इंटरस्टेट कहने की कोशिश, सोचो सोचो सोचो, कर सकता है। यस, और इंटरस्टेट USA वाला अगर अपने यहाँ अपने लॉ में इसे कहने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या USA वाला भी इस पर IGST लगा देगा? यस और नो? यस। और बेटा जिस आदमी ने इंडिया में बेचा है, क्या USA वाला उसी आदमी से नॉर्मल IGST कलेक्ट कर सकते है? उसे RCM क्रिएट करना है या नॉर्मल में ही चल सकता है? नॉर्मल। इंडिया वाले को RCM क्रिएट करना है, इसको तो RCM भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके आदमी है। यस, अच्छा अब इसकी रिवर्स पोजीशन लो, इधर का इंडियन वो USA को बेच रहा है, फिर रुक गए, इंडियन अब USA में बेच रहा है बेटा, अब ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया बेटा। बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट हो गया, और क्या ये भी इंटरस्टेट है? इंडिया वाला क्या इस आदमी से आराम से प्यार से IGST ले सकता है? यस। और इधर से बेटा ट्रम्प, वो क्या बोल देगा? बाहर से आया USA में, इम्पोर्ट हुआ, उसने बोला अब इम्पोर्ट हुआ तो ये मेरे USA का क्या है? इंटरस्टेट, तो मैं इसके ऊपर IGST लूंगा। उन्होंने बोला कैसे लोगे उससे? उसने वो उससे नहीं लेंगे, हम इधर से RCM में ले लेंगे। प्रॉब्लम समझ आ रही है? yes. अब अगर सही में ऐसे ही चलता रहा तो आप एक बात समझ पा रहे हो, एक सेल हो रही होगी, मजे दो लूट रहे होंगे। मेरी बात क्लियर है? yes. अच्छा अब देखो, अब जैसे चार ब्रेक, ये वाली लाइन तो पूरी कर ले एक मिनट के लिए। अब ये जो इंडिया के हमारा ये पर्सन था, जब इसने एक्सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम IGST तुम्हें देना है, इधर से जब USA वाला टैक्स करने लगा ना, तो ये आदमी मोदी भाई से बोल रहा है, वो कहे मोदी भाई देखो मैंने इंडिया में पूरा टैक्स भर दिया, और उधर से USA वाले कह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन पर तो वहाँ भी IGST लग रहा है। तो मोदी भाई तुम इतने देश में घूमे, कुछ किया तुमने? घूम ही घूम के आ गए, कुछ तुम्हारी बात कोई सुनता है? तो बोला सुनता, हमने फोटो खिंचवाई। बोला उसको छोड़ो, जब तुमने यहाँ टैक्स ले लिया तो ट्रम्प की कैसे हिम्मत हो रही है कि वो इस पर टैक्स ले? मोदी भाई बोले चलो मैं बात करता हूँ। तो अब ये ट्रम्प से कह रहे हैं, ट्रम्प भाई हमने यहाँ टैक्स कर लिया, अब तुम ना करो। ट्रम्प कह रहा है मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन तुम मेरी सुनो, हम कर रहे हैं तुम छोड़ दो। अच्छा जो इंडिया का एक्सपोर्टर है वो ये कह रहा है तुम दोनों ना भाड़ में जाओ, अपनी कहानी सुनाते रहो, मुझको तुम सोल्यूशन दो, कोई एक आदमी टैक्स करे। अच्छा मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि ट्रम्प टैक्स कर रहा है या फिर मोदी, मुझको तो सिर्फ सोल्यूशन में क्या चाहिए, कोई एक टैक्स करे, वो तुम आपस में बैठ के डिसाइड कर लो कि जिसकी चलती हो वो कर ले, लेकिन एक टैक्स करो। पॉइंट क्लियर है सबको? yes. अच्छा ये बैठ करके आपस में डिस्कशन करते हैं, वो कहते हैं चलो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब हम इसको कैसे टैक्स करें, कि टैक्स कैसे लें। अच्छा अब ना टैक्सेशन के लॉ में ना बेटा दो प्रिंसिपल होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स DBT, और एक को हम बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स OBT। कोई भी टैक्स सिस्टम, पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ये हमारे कंसेप्ट आते हैं, इंटरनेशनल कंसेप्ट है सुनना, हम बोलते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम कैन बी इधर OBT ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम
or it can be DBT, Destination Based Taxation System. बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकल बात ही नहीं है. ओरिजन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम जो होता है ना, वो ये कहता है टैक्स वो रखे जहां ओरिजन हुआ गुड्स का. सिंपल है, ओरिजन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम वो ये कहता है टैक्स रखने का अधिकार उसका होगा जहां गुड्स का ओरिजन हुआ. अब बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट उल्टा बोलता है, टैक्स रखने का अधिकार उसका होगा जहां ओरिजन हुआ नहीं, जहां डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन बेसिकली कंजम्पशन. एम आई क्लियर? यस. अच्छा, आप मुझे बताएंगे अगर ओबीटी का कंसेप्ट अपनाया गया, ओबीटी, तो आप मुझे बताना, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं इंडिया इज इनटू फेवर ऑफ ओबीटी, तो आप मुझे बता सकते हो ओबीटी का रिजल्ट क्या आएगा? बाहर से कुछ आ रहा है, ऊपर है ना, बाहर से कुछ आ रहा है. अगर इंडिया ओबीटी में चल रहा है तो इंडिया इस पर टैक्स नहीं लगाएगा. सारे क्लियर है? यस. और यहां से कुछ जा रहा है, क्या वो टैक्स लगाएगा? यस. आम ही क्लियर? और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर इंडिया डीबीटी के फेवर में हो बेटा, अगर डेस्टिनेशन बेस के फेवर में हो, तो बाहर से कुछ आ रहा है, क्या इंडिया टैक्स लगाएगा? हाँ, बाहर कुछ जा रहा है, इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, जो आपने टेक्निकल बोला इसको आप सिंपल वर्ड्स में बोलना, ओरिजन बेस्ड टैक्स का रिजल्ट क्या होता है? इंपोर्ट टैक्स होते हैं या एक्सपोर्ट? आप नहीं कर सकते इसको समझने के बाद. ओबीटी का रिजल्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट टैक्स होता है, इंपोर्ट टैक्स नहीं होता. डीबीटी का रिजल्ट क्या होता है? इंपोर्ट टैक्स होता है, एक्सपोर्ट टैक्स नहीं होता. एम आई क्लियर? यस. अच्छा, अब बेटा गवर्नमेंट को बैठ के डिसाइड करना है हम ओबीटी सेलेक्ट करें या फिर डीबीटी. अच्छा, और ये जो सिलेक्शन है बेटा सिर्फ इंडिया को करना है या ट्रंप को भी करना है? ट्रंप को भी करना है. अच्छा, इधर से मोदी जी फ्री है, दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट करें अपनी इंडिया के लिए, और उधर से ट्रंप फ्री है, दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट करें अपने यूएसए के लिए. क्लियर है बेटा? यस. अच्छा, और पता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मोदी को ओबीटी पसंद आ गया और ट्रंप को डीबीटी. आप समझ पा रहे हैं? अगर दोनों की पसंद मैच नहीं करी, ठीक है ना, मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा पसंद का, यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना. मिस मैच ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन. हाँ जी. सो अगर मैच नहीं, इधर मोदी जी ने अगर ओबीटी पसंद कर लिया और उसने डीबीटी पसंद कर लिया, तो आपको पता है तब क्या होगा? एक ट्रांजेक्शन तो दो बार टैक्स हो जाएगा, और एक होगा ही नहीं. नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर इधर एक ओबीटी सेलेक्ट कर ले और इधर एक डीबीटी, तो उसमें क्या होगा? एक ट्रांजेक्शन तो दो बार टैक्स हो जाएगा, और एक ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत होगा. सही रिजल्ट के लिए क्या जरूरी होगा? दोनों ही सेम करें, भले ही ओबीटी हो या भले ही डीबीटी हो, दोनों ओबीटी कर ले तो भी रिजल्ट बराबर रहेंगे, दोनों डीबीटी कर ले तो भी रिजल्ट बराबर रहेंगे. सो मोदी जी ट्रंप से बोले, भाई ट्रंप क्या सेलेक्ट करोगे तुम? तो ट्रंप बोले, तुमने क्या सोचा? उसने बोला, हम दोनों को बैठ करके इकट्ठे सोचना है, वी शुड मैच आवर इंटरेस्ट. मैचिंग इज इंपॉर्टेंट. हाँ जी. सो ट्रंप बोला, इस उम्र में क्या इंटरेस्ट मैच करेंगे. चलो कोई बात नहीं है. तो फिर भी अच्छा, तो अब वो बात चल रही है, बस सिर्फ अब इशू ये रह गया कि ओबीटी के लिए जाए या फिर डीबीटी के लिए जाए. अच्छा, इस इतने बड़े, ये बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है जिसको आप समझ गए हैं, इसमें बेटा आप समझो ये प्रॉब्लम ये सिर्फ मुझे यूएसए के साथ आएगी या ये तो हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में आएगी? हमेशा. ये तो हर कंट्री के साथ हमारी प्रॉब्लम होने वाली है.
ठीक है ना, और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम है वैसे ही दूसरी कंट्री की भी बराबर की प्रॉब्लम है। तो बेटा ऐसा क्या, इसमें क्या होता था, अब इंटरनेशनली क्या हुआ, सब कंट्रीज ने बैठ करके इस समस्या के ऊपर विचार किया कि प्रॉपर ट्रेड होने के लिए ये ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ सिस्टम जो है वो सब कंट्री एक ही करें। जब भी कभी इन्हें कुछ डिसाइड करना होता है ना, ये बैठ जाते हैं चर्चा के लिए, इंडिया में तो हम जानते हैं। तो आपने कभी नाम सुना है बेटा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? नाम से क्लियर हो रहा है कुछ, ये ऑर्गेनाइजेशन किस बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस द कंट्रीज। तो WTO की बॉडी बैठी, सब लोगों को बुलाया गया, भाई क्या करना है बताओ, किस तरीके से हैंडल करना है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो सब कंट्रीज एक ही सिस्टम को अडॉप्ट करेगी, ये ज़रूरी होगा। सब कंट्री बोले हम तैयार हैं, बिकॉज समस्या सबकी है। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला आपसे बात ये रह गया, OBT सेलेक्ट करें या फिर DBT। तो इंटरनेशनली WTO की जो बॉडी है उसने ये बोल रखा है हर कंट्री जो होगी वो DBT अडॉप्ट करेगी, हर कंट्री जो होगी वो DBT अडॉप्ट करेगी। तो उस वजह से इंडिया ने भी बेटा अपने यहाँ DBT टैक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, इंडिया ने भी अपने यहाँ DBT सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। अच्छा, एंड DBT का रिजल्ट क्या है वो आप समरी में बोलो। ये तो मैंने थ्योरी बता दी ना कैसे कैसे होता है, अब छोड़ो, अब हमारे लिए काम की लाइन सिंपली क्या है कि इंडिया ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, DBT सिंपल। और DBT का मतलब क्या होता है, नहीं फुल फॉर्म नहीं, रिजल्ट क्या है, इंपोर्ट्स आर टैक्स्ड, एक्सपोर्ट्स आर नॉट टैक्स्ड। बिल्कुल, अब आप ब्रेक ले सकते हो आराम से।
चले दे दे हन बैठो जी बैठो दे दे बैठो थैंक यू बैठो भाई बैठो हाँ जी मजा आने लगा है तुम्हें स्वाद आने लगा है चलो रिकॉर्ड कर ले बेटा काम आएगी आगे तेरे मत मत चलो चलो ध्यान दो तो शर्म नहीं आ रही तू एक्सपर्ट के कपड़े पहन के यहाँ घूम रहे आगे से तेरी शर्ट उतरवा लेंगे ये पहन के आए आप जी गलत हो रहा है ये चलो खैर हाँ सुनो सुनो ना हाँ सुनाता हूँ मैं माहौल माहौल बनाते हैं पहले थोड़ा सा माइंड चेंज करो उसके लिए फिर अलग लेवल पर जाना है फिर आपको लौट के कौन सी सिचुएशन में आना है कितना मेहनत कर रहे हैं हम देखो एक तरफ हम कहाँ पहुँच जाते हैं कहानी सुनो इसमें बड़ी सीख भी आप लोगों के लिए पुणे का माहौल थोड़ा सा अलग है तो कई बच्चे मैंने देखे खासतौर से इंटर लेवल पर ऐसा हो जाता है मेरे ख्याल से आप भी बड़े सारे सारे लोकलाइट्स नहीं होंगे बाहर से आ रखे होंगे और जो बाहर से आते हैं उसको ना यहाँ की फ्रीडम बड़ी पसंद आती है कोई मम्मी नहीं कोई पापा नहीं कोई टोकने वाला नहीं ये कर ले वो कर ले अपना राज अपनी सिटी पर है भी इतना यंग क्राउड भी इतना ज़्यादा है कि ना भी कोशिश करे कहीं ना कहीं अटक ही जाता है बेचारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ी जाता है वो रिश्ता मंजिल तक जनरली पहुंचता नहीं बीच रास्ते में कहीं ना कहीं जो है वो टूट जा। अब ये बड़ी गहराई वाली बात है मतलब हर चीज़ को मैं गहराई में समझा बेटा ये समझ ले ये काम का है एक बात तेरा आर्टिकल 246 से रह गया कोई बात नहीं बात समझा जी तो दो स्टेजेस हैं पहली स्टेजेस में ऐसा होता है जब नया नया ना रिश्ता जुड़ता है सब समझ पा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आदमी फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है उसके जितने फ्रेंड्स थे सब साइडलाइन हो जाते हैं जितना टाइम अवेलेबल है वो उसी रिश्ते को देता है फ्रेंड्स से सो तरीके के झूठ बोलेगा टाइम नहीं है पढ़ रहा हूँ बट कहाँ पढ़ रहा है वो आप जानते हैं ठीक है सब जानते हैं इस बात में अच्छा वो सारे फ्रेंड्स पहले एक एक करके कटते हैं फिर उसके बाद जब किसी वजह से संबंध विच्छेद हो जाते हैं मतलब ब्रेकअप हो जाता है फिर उसे समझ आता है कि क्या खो दिया तो ये ऐसी भावनाओं की शायरी है मतलब इसको आपने समझना है पहला जब उसे नया नया प्यार मिला तो उसकी दुनिया बहुत बदल गई आउट ऑफ द वर्ल्ड फिर उसके बाद जब ब्रेकअप हो गया तो उसकी दुनिया बिल्कुल लुट गई तो इस बैकग्राउंड हाँ बेटा बिल्कुल इस बैकग्राउंड के साथ आप शायरी को समझने की कोशिश करिएगा और पीछे मैंने देखा यहाँ पर एक आधा है कपल तो वो कपल जरा इसको मैसेज को समझ लीजिएगा हाँ जी हाँ बिल्कुल सब समझ लेंगे वो अपने आप ही एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए वेरी वेरी थोरो बहुत मीनिंगफुल शायरी एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए जल्दी बैठ बेटा वो हमेशा लेट आता है खड़े रहने के लिए पाँव दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया तुझे भगवान बैठ बैठ पड़ा तो जरा ध्यान से सुनो तो बात सुन हाँ जी आप मेरे ख्याल से पल और सदी दोनों समझते हैं पल होता है छोटा लम्हा आया गुजर गया पता नहीं चला सदी घड़ी वगैरह जी एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछे ये वो पहला लम्हा है जिसमें नया नया प्यार हुआ और इसको लगता है हाँ क्या संसार हो गया मेरा तो यकीन नहीं था हमें भी कोई पसंद करेगा कर लिया चलो बढ़िया बात होगी हाँ जी तो एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए दो पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए इसमें दूसरा पल वो जुड़ गया है क्या बात है बेटा इंटरप्रिटेशन सॉलिड इंटरप्रिटेशन हाँ जी तो शायद कह रहे पहले पल में क्या मजा मिला वो भी समझो लेकिन फिर जो दूसरा पल जिंदगी अगर गुजरता है तो वो कैसे सजा बन जाती है वो भी हमसे समझो एक पल में एक सदी का मजा
हमसे पूछिए, दो पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता समझते हैं, शायरी सुना हो पता है नहीं कोई डिमांड ऐसे करते हो जैसे गालिब की औलाद हो आप पता पता कुछ है नहीं हाँ जी रफ्ता रफ्ता होता है धीरे धीरे एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों में हम, मुद्दतें समझते बरसों में, संबंध विच्छेद कब हो गया, कितने साल हो गए फिर भूले, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। लाइन समझनी चाहिए आपको कि क्या सोच करे किसी बड़ी बात लिखी, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। आगाज़ आश की, आगाज समझते, आगाज शुरुआत, अंजाम खात्मा। तो ये वो जो कपल है ना जो क्लास में भी साथ साथ की पढ़ाई करता रहता है, ये नए नए दौर का है, इसकी आगाज हुआ है, इसको अंजाम का एहसास नहीं है। तो लास्ट की लाइन ये है, ध्यान देना वो बच्चा खासतौर से, आगाज आशिकी का मज़ा आप जानिए, आगाज आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी की सज़ा हमसे पूछिए। आई कुछ समझ में आप लोगों को? हाँ अब समझ आती है बेटा, तो उसमें एक तकिया कलाम ऐसे होता है आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाए, अच्छा तो ऐसे कहते हो वाह 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 वाह, सीखो आगे पता नहीं कब आपको कहाँ जाना पड़े, काम आ जाएगा, वाह 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 वाह। पुणे तो एक कल्चरल सोसाइटी है, तो ये नाट्यक्रम वगैरह सब आपको आने चाहिए, ठीक है? ये समझ आ गई शायरी आपको? चल हाँ, क्या कह रहे बेटा, ये तो कहीं और चला गया दूसरी दुनिया में, कहाँ किसकी याद आ रही है अब तेरे को? लेकिन मुझे साथ में इतना भी यकीन है कि हम दिल्ली वाले हैं जो इस तरीके की शायरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पुणे वालों की अलग, यहाँ वो संजीदगी है ही नहीं। जिस तरीके के बच्चे हैं यहाँ कैसा हो रहा है, रूठी है वो ये सोच के हमसे कि जैसे हम आके उसे मना लेंगे, ये पुणे का दौरा ही रूठी है ये सोच। दिल्ली अलग है भाई कि एक संबंध विच्छेद हो गया उसके लिए कितना जिंदगी बर्बाद कर ली, पुणे का ट्रेंड अलग है। आई बिलीव आप एग्री करोगे ऐसा ही है, रूठी है वो ये सोच के हमके कि जैसे हम आके उसे मना लेंगे, उसको मनाने में जितना वक्त लगेगा उतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। है कि नहीं ऐसा? पक्का यकीन था ऐसे ही कुछ है। चलो खैर पढ़ाई की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे आपकी हकीकत सबके सामने उजागर हो जाएगी। यस चलो आ बेटा, अब ध्यान लगा थोड़ा सा पढ़ाई में भी, जितना तूने संजीदगी से अभी शायरी सुनी ना उतना ध्यान करियो। हाँ जी, डीबीटी समझा दिया मैंने, डीबीटी की आपको बात लिखवा दी बेटा। अब इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, डीबीटी बहुत जगह यूज होगा आपको आगे डिस्कशन में भी, कि डीबीटी का कंसेप्ट इंटरनेशनली एग्रीड कंसेप्ट है, तो इंडिया ने भी डीबीटी को एग्री किया है। डीबीटी का रिजल्ट ये होता है इंपोर्ट टैक्स होने या एक्सपोर्ट टैक्स नहीं होने। तो बेटा अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है आईजीएसटी बेटा, ध्यान दे ध्यान दे, अब इंपोर्ट्स भी क्या इंटर स्टेट सप्लाई थे वैसे? फिर होगा यस और नो, यस। और एक्सपोर्ट्स भी क्या इंटर स्टेट थे? यस। अब पता है आपको, अब डीबीटी को ध्यान में रखते हुए इंटर स्टेट सप्लाई जिसको हैंडल आईजीएसटी एक्ट करता है, उस आईजीएसटी एक्ट को साथ में ये लिखना पड़ेगा कि है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट वाले पर तो हम लगा देंगे टैक्स लेकिन एक्सपोर्ट्स वाले पर हम नहीं लगाएंगे। तो एक्सपोर्ट वाले को बेटा उन्होंने जीएसटी से फ्री करने के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया, सेक्शन 16। जीएसटी एक्सपोर्ट पर से फ्री करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल सेक्शन बना दिया, सेक्शन 16, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये लिखा
कंसीडरिंग द डीबीटी प्रिंसिपल जिसके हमें फॉलो करना जरूरी है, हम एक्सपोर्ट्स को, ठीक है वो इंटरस्टेट सप्लाई तो है लेकिन हम एक्सपोर्ट्स को जो होगा वो टैक्स नहीं करेंगे। क्या आप बता सकते हैं ये सेक्शन 16 में कौन से एक्ट का बोल रहा हूँ? IGST, क्योंकि इंटरस्टेट है तो डेफिनेटली IGST एक्ट ही बात करेगा उसके बारे में, तो सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। हमें फाइनल आपसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप कर पाएंगे बड़े आराम से कर पाएंगे। पुणे वाले ने पुणे में बेचा, इंट्रास्टेट CGST SGST खत्म। पुणे वाले ने दिल्ली में बेचा, इंटरस्टेट IGST। पुणे वाले ने USA में बेचा, इंटरस्टेट बट IGST जीरो बिकॉज ऑफ DBT प्रिंसिपल सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। इसका प्रॉपर चार्ट वगैरह बुक में है अप्रोप्रिएट प्लेस पर, वहां जब पहुंचेंगे तो वो सब आपका टैली हो जाएगा, सब वहां दोबारा एक बार रिपीट कर लेंगे। ये क्लियर है सबको? यस। अच्छा, अब इस आदमी ने तीन जगह से खरीदा, बेचा छोड़ दो, तीन जगह से खरीदा, पुणे से ही खरीदा, इंट्रा CGST SGST भरा गया, जिससे भी खरीदा भर दिया होगा उसने, उसने यूपी से खरीदा, इंटरस्टेट IGST भर दिया होगा सप्लायर ने, उसने USA से खरीदा, इंटरस्टेट IGST, आपके पास स्पेशल क्या है सर? वो नहीं भरेगा, नहीं मैंने खत्म करा दिया, वो नहीं भरेगा जिससे खरीदा, हमको भरना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का क्या नाम है? हमको भरना पड़ेगा RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये भी आपको वेल डिफाइंड आगे सब रिटर्न में प्रॉपर मिल जाएगा। यहां तक बेसिक बात क्लियर हो गई सबको? चलो फिर अगली बड़ी बात कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है तो चलो। अब ऐसे बात करते हैं बेटा, मान लीजिए यहाँ एक पर्टिकुलर सप्लायर है आपके पुणे में, और ये सिर्फ दो तरीके की सेल्स करता है, ये इंटरनेशनल नहीं काम करता, ये सिर्फ डोमेस्टिक काम करता है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया बेटा, डोमेस्टिक में दो कैटेगरी हो सकती है, इंट्रा हो सकती है एंड इंटर हो सकती है। डोमेस्टिक में हमारे पास दो कैटेगरी हो सकती है, इंट्रा और इंटर। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, अब मैं एक छोटी सी बात आपको सिर्फ स्पेशल बताना चाहूँगा, सुनना। अब बेटा GST इंडिया में कब से आया है? 1 जुलाई से। अब थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं GST नहीं है, पुराना पिछले की पीरियड की बात है, साल 2014 में क्या होता था बेटा इस आदमी को, ये कैसे हैंडल करता था अपने आप को? आप कर सकते हो, भी आपने रिपीट कराया बेटा, 2014 में ये अपने आप को कैसे हैंडल करता था बेटा? GST तो 2017 है, तो बेटा वो क्या करता था इस वाले पर, ये लोकल सेल्स टैक्स था बेसिकली, वैट जो आप बोलते थे वो भर देता था। यस। और बेटा ये जो ये वाली थी इसके ऊपर वो क्या भर देता था? CST। ठीक है, अभी बिल्कुल रफ है, बाकी एक डायग्राम वगैरह बाद में और भी करना है आपने, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो बेटा वो क्या करता था, लोकल सेल पर वो स्टेट दे देता था वैट। बेटा ये वैट किसने लगाया था? स्टेट ने। तो जैसे मैं आपके महाराष्ट्र के एग्जांपल से ही चल रहा हूँ, तो उसने ये वैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दिया। अब बेटा जब वो दिल्ली की सेल कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, तो इस पर वो दे रहा था CST। बेटा ये CST का कानून किसने बना रखा था? स्टेट बना ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर की बात हो गई ना, तो ये किसने बना रखा था? पार्लियामेंट ने। तो बेटा ये CST किसको मिलता होगा, सेंटर को या स्टेट को? सेंटर को। यस, बट बेटा लेट मी टेल यू, CST में एक स्पेशल बात थी,
सीएसटी में एक स्पेशल बात थी कि ये पार्लियामेंट इसका कानून बनाती थी, बट पार्लियामेंट ये कहती थी उस कानून में कि ये टैक्स लगाएंगे तो हम, पर ये स्टेट ही रख ले, ऐसा प्रोविज़न था। ये आपको कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा था, ऐसा समझे। पार्लियामेंट ये बोलती थी कि हमने कानून तो बना दिया है बट इस रिवेन्यू में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे स्टेट ही रख ले। और उन्होंने अपने उस सीएसटी एक्ट में लिख रखा था जिस स्टेट से माल चला है वो स्टेट इसे रख ले। ये एक स्पेशल बात है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। सीएसटी में दोबारा बोलता हूँ बेटा, सीएसटी लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पर साथ में उन्होंने अपने एक्ट में एक स्पेशल बात लिखी थी, इसे हमने लगाया है बट ये इकलौता ऐसा टैक्स था जो वो कहते थे इसे हम लगा रहे हैं पर हम नहीं रखेंगे, इसको उन्होंने स्टेट को ही दे दिया था। और मैंने आपको समझाया मेरे एग्जाम्पल में किसको, महाराष्ट्र को या दिल्ली वाले को, महाराष्ट्र को। मैंने क्या बोला, जहां से गुड्स चले। तो बेटा वैट का पैसा भी किसने कमाया, महाराष्ट्र। सीएसटी का पैसा भी किसने कमाया, महाराष्ट्र। एम आई क्लियर? यस। अच्छा अब बेटा 2017 में क्या आ गया, जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद ये सेल्स टैक्स वेल्स टैक्स सब खत्म हो गए। अब बेटा जो इंट्रा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर क्या लग रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जो इंटर हो रहे हैं उस पर क्या लग रहा है, आईजीएसटी। वंडरफुल। अब मुझे बताओ जो इंट्रा हुआ उस पर जीएसटी के आने के बाद किस किस की कमाई हुई, सेंटर की भी हुई और स्टेट की भी हुई। तो जब जीएसटी खत्म, ये सेल्स टैक्स खत्म हो रहा था ना, मतलब हम कह रहे थे कि भाई अब हम जीएसटी लाएंगे, तो हमने महाराष्ट्र वाले से बोला भाई हम सेल्स टैक्स खत्म करके ना जीएसटी लाने वाले हैं, कोई तकलीफ है तो बताओ। तो महाराष्ट्र वाला बोला पहले लोकल सेल होती थी मेरे को वैट मिलता था, अब लोकल होगी मुझे एसजीएसटी मिल जाएगा। बोला मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। उसे बोला ठीक है, आगे आप बोलो। नहीं आया, समझ नहीं आया डायग्राम में, कुछ अगली बात कर सकते। हमने पूछा इंटरस्टेट, बोलो सारे क्या पहले इंटरस्टेट होती थी क्या, महाराष्ट्र वाले को सीएसटी मिल जाता था, हाँ अब जब इंटरस्टेट होगी आपने बोला अच्छा जा रहे हो, सही जाओगे बिल्कुल, अब जब इंटरस्टेट होगी तो बेटा हमने क्या लगाया, आईजीएसटी। अच्छा और ये आईजीएसटी हमने किसको दिया, सेंटर। यस। तो बेटा महाराष्ट्र वाला इस चीज के लिए बोलो वो खुश होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इंट्रा में तो वो बोला कि ठीक है भाई पहले चलो वो मिलता था, अब तुम जीएसटी से वो दिला दोगे बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो इंटर वाले में अब ये बोला भाई साहब मैं सीएसटी कमाता था अब तुम आईजीएसटी, और तुमने तो यहाँ मजे ले लिए, बेसिकली मुझे कुछ नहीं दिया है तुम ले गए। तो वो बोले भाई देखो ना ऐसा है हम तुमको नहीं दे सकते इसमें कुछ, दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए तुम तो बना नहीं सकते। उन्होंने बोला भाई साहब सीएसटी में भी मैं कानून नहीं बना सकता था, कानून तुमने बनाया था पर तुमने पैसा नहीं रखा था। नहीं आई बात समझ में, कानून जरूर तुमने बनाया था क्योंकि मैं नहीं बना सकता, तुमने बनाया था पर पैसा तुमने नहीं रखा था, तुमने मुझे दिया था। तो ये बोला अब जीएसटी में भी मैं कानून नहीं बना सकता क्योंकि मेरे तो दायरे के बाहर की है, तो मैं नहीं बनाऊंगा, तुम कानून बना लो, मेरे को तुम्हारे कानून बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोलो आप धीरे धीरे बोलो करो यार लाइन को, लेकिन पैसा मुझे दो। हमने बोला अच्छा ठीक है, हमने बोला कितना दे दें, कह रहा सारा ही दे दो। हमने बोला अब तेरे में हवा सारी है, सारा देने पहले ये बताओ, अगर देने की हम सोचें भी कि दे दें तो सारा पैसा दे दें बेटा या एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा किस सेंस में, इन द सेंस अगर इंट्रा होती है तो सारा वही कमा रहा है या वो एक हिस्सा कमा रहा है, एक हिस्सा। तो अगर इंटर में हम दें भी तो भी हम उसे एक हिस्सा देंगे। अच्छा और वो हिस्सा निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है थ्योरेटिकली, क्यों
बेटा सी जी एस टी नो था, एस जी एस टी नो था, आई जी एस टी कितना था यार? 18 था ना, तो 18 के वापस के दो टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, तो इसने बोला जी ये तुम्हारी बात लॉजिकल तभी बनेगी जब तुम आई जी एस टी लगा तो लो, कानून भी बना लो, लेकिन तुम आई जी एस टी मेरे साथ शेयर करो। उन्होंने बोला अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ शेयर करने के बारे में सोचते हैं। स्टेट बोला इसके लिए भी ना तुम लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें बोला कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिख दे? उसने बोला तुम्हारा ना यकीन नहीं, आज कुछ को बाद में पलट जाओ, जो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिख दो। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा एक और आर्टिकल आया, थोड़ा पेज इधर उधर फिर घूमना पड़ेगा, पेज नंबर 17 पर, 14 पर तो आप थे ही बेटा मेरे ख्याल से, हाँ देख लेते, 17 पर आओ आप। एक आर्टिकल है आर्टिकल 269 ए, ए का मतलब आप समझते ना, ए नया आया, 269 ए। टाइटल बोलो पहले, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये आर्टिकल सिर्फ किस पर फोकस है? इंटर स्टेट, बेसिकली आईजीएसटी पर फोकस है। ठीक है ना, लोकल में तो प्रॉपर दोनों को रिवेन्यू मिल ही रहा था, तो इसका फोकस जो है वो सिर्फ अब आईजीएसटी की हैंडलिंग है। ठीक है, तो ये कहता है बेटा इसका पॉइंट नंबर 1, मजा आएगा, चलो पढ़ो। जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगा एक 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 मिनट एक मिनट, जीएसटी कौन सा? इंटर स्टेट सप्लाई का, लेवी एंड कलेक्टेड। लेवी एंड कलेक्टेड, पहले इन दो वर्ड में डिफरेंस बोलो। लेवी लगाना, चार्ज लगाएगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? बट सरसेक शैल बी अ पोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। बस रुक जाओ, अब क्या समझ आया हमने? आई जी एस टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम लगा लो, हम तो इसके बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज आउटसाइड है, तो तुम लगाओ, कलेक्ट भी कर लो, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने पास नहीं, रख लो सारा, आपको इसे अपर्शेंट का मतलब बांटना पड़ेगा। एक हिस्सा यूनियन रखे, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रखे और एक हिस्सा जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रखे। एम आई क्लियर? अच्छा, और बांटना कैसे होगा? आगे पढ़ो जरा लाइन को। इन द मैनर, उस तरीके से बांटना, मैनर का मतलब हो गया तरीका, किस तरीके से? एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो आईजीएसटी का बंटवारा करना है, एक बात क्लियर हो गई, बंटवारे करने का तरीका क्या होगा? वो काउंसिल बैठ करके मिलकर डिसाइड कर देगी। और बेटा काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी कि ऐसे बंटवारा करना है, वो डिसीजन क्या पार्लियामेंट किसी लॉ में लिख करके बोलेगी? लाइन देखो यार, यस और नो? यस। काउंसिल की मीटिंग हो गई, मीटिंग में कुछ डिसाइड हो गया और उस डिसीजन से सब कुछ हैंडल हो जाएगा, या लॉ बना के बोलना पड़ेगा? लॉ बना के, दे आर वेरी क्लियर ना? यस। अच्छा, और आप मुझे बता सकते हैं ये अब कौन से लॉ में बोला गया होगा? आप समझदार हो रहे हैं, कौन से लॉ में बोला हो गया? आईजीएसटी एक्ट। तो लॉ पर एरो लगा करके वहां लिख लीजिएगा आईजीएसटी एक्ट। उसके विद इन ब्रैकेट सेक्शन 17 लिख लीजिएगा, सेक्शन 17 इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा, जीएसटी इंटर में भी रखा है और जीएसटी फाइनल में भी रखा है, तो आपके लेवल पर सारा जीएसटी नहीं है, सिलेक्टेड पोर्शन है, फाइनल में सारा है। तो 17 मैंने जस्ट रेफरेंस के पर्पस के लिए लिखवाया, ये इंटर के सिलेबस में कवर नहीं है, उसमें इसकी सारी चर्चा है कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ याद रखने का क्या था बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ने कमाया, सीजीएसटी सेंटर लगाई कलेक्ट कर गई, एसजीएसटी स्टेट लगाया कलेक्ट कर गया। इंटर स्टेट सप्लाई होगी,
इंटीग्रेटेड लग गया, कंबाइंड लग गया, सब लगाया, सब कलेक्ट, सेंटर निकल लिया, लेकिन वो सिर्फ एक बार के लिए कलेक्ट हुआ है, बैक एंड में क्या पीछे बंटवारा होगा? यस, टैक्स पेयर सारा पैसा किसको देगा? सेंटर को, बट सेंटर बैक एंड में सेट के साथ शेयर करेगी, सेट के साथ शेयर करेगी, ठीक है। अच्छा, अब काउंसिल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग से तय होना था कि मैनर ऑफ अपोर्शनमेंट क्या हो, ठीक है। तो जब काउंसिल की मीटिंग हुई, अब छोटी सी स्टोरी उसकी सुनो। अब काउंसिल फिर बैठी, उन्होंने कहा जी ये जो IGST है जैसे कि डिमांड है, तो ये हम नहीं रखेंगे, ये हम स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। तो केजरीवाल बोला बिल्कुल सही, करना चाहिए। ये जो IGST है, जब महाराष्ट्र वाले ने दिल्ली वाले को बेचा, तो ये जो IGST तुमने लिया, इसका एक हिस्सा तुम रखो और एक हिस्सा मुझे दो। उन्होंने बोले भाई तुझको क्यों दे दे? उसने बोला आपने बोला ना IGST जो होगा वो अपोर्शनड होगा। रिएक्शन लाया करो चेहरों पर। उसने बोला आपने बोला IGST लगा, दिल्ली महाराष्ट्र वाले ने दिल्ली में सेल करी, तो क्या IGST लग गया? हाँ। और बोला आपने लिखा 269 में जो IGST होगा वो अपोर्शनड करोगे सेंटर और स्टेट के बीच में। तो उसने बोला एक हिस्सा तुम रखो, मान लो 18% का IGST। उसने बोला 9% तुम रखो, 9% हमें दो। महाराष्ट्र वाला बोला वो बैठ केजरीवाल। उन्हें बोला भाई तू क्यों, मैं लूंगा। नहीं यार ये समझ में। बोला तू बैठ भाई, अपॉर्चुनमेंट होना है, स्टेट को देंगे लेकिन तेरे को नहीं देंगे, तुझे क्यों दे मोदी? बोले भाई तेरे को नहीं देंगे, हमको देंगे। आप समझ पा रहे मेरी बात को? अच्छा 269A क्या कह रहे हैं, किस स्टेट को देंगे? 269A क्या कह रहा है बेटा? वो कुछ नहीं कह रहा, वो तो सिर्फ क्या कह रहा है भाई, IGST बांटना है, एक सेंटर रखेगा एक हिस्सा और एक स्टेट। अब क्वेश्चन खड़ा हुआ स्टेट कौन सा, क्योंकि इंटर स्टेट में दो स्टेट इन्वॉल्व है। यस और नो? यस, महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली, लड़ाई स्टार्ट हो गई। महाराष्ट्र वाले कह रहे जी हमें मिलेगा, सेलर हमारे यहाँ का है। केजरीवाल बोल रहे हमें मिलेगा, बायर हमारे यहाँ का है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? चलो अपना ओपिनियन दो। भाई तू महाराष्ट्र से प्रेरित ना हो, ठीक है ना, या महाराष्ट्र वाले जितने चाहिए, स्पिरिट के साथ मत बोल, लॉजिक से बात करो, लॉजिक से। अब काउंसिल की चर्चा चल रही है, अब महाराष्ट्र वाले से हमने पूछा हाँ भाई तुम किस लॉजिक पर कह रहे हो कि तुम्हें मिलना चाहिए इसका शेयर? तो महाराष्ट्र के CM बोले, अब महाराष्ट्र डिस्कशन चल रहा है मीटिंग में, तो हमने महाराष्ट्र वाले से बोला भाई तुम किस लॉजिक पर कह रहे हो? तो महाराष्ट्र के CM वाले बोले CST हमको मिलता था। किसको मिलता था CST? महाराष्ट्र वाले को। तो CM बोला भाई CST अपने को मिलता था, अब CST की बजाय तुमने GST ला दिया है, तो जो पैसा मिलेगा वो हमको मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी। अब हमने केजरीवाल जी से पूछा, अब तुम बोलो भाई वो तो कह रहे CST उसको मिलता था तो उसको मिलना चाहिए। केजरीवाल जी बोलो, उसे बोला उसको गलत मिलता था इतने सालों से। अब तुमसे यही उम्मीद थी, अब तुम कोई नई स्टोरी बताओगे, बोलो बोलो। हाँ जी बोलो। देखो वैसे केजरीवाल बोला मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी कोई बात सीरियसली सुन रहा होगा, फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी। तो उसने बोला उसको इतने सालों तक जो मिल रहा था वो गलत मिल रहा था। बोले कैसे? उसने बोला DBT के प्रिंसिपल के खिलाफ था। मैं लाइन बोलता हूँ, धीरे धीरे कनेक्ट किया करो। DBT के प्रिंसिपल के
केला आता। सब समझ पा रहे हैं? यस। डीबीटी का प्रिंसिपल क्या है? डेस्टिनेशन में जाए। तो डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। तो उसने बोला जी उसको जो इतने सालों तक मिलता था वो गलत था, डीबीटी के प्रिंसिपल के खिलाफ था। अब जब तुम इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म कर ही रही हो, नहीं आई मेरी बात, अब जब तुम इतना बड़ा जीएसटी का टैक्स रिफॉर्म कर ही रही हो, तो वो जो इतने सालों तक की गलत चली आ रही प्रथा थी उसे भी खत्म कर दो। मेरी बात क्लियर है ना? तो वो जो डीबीटी का प्रिंसिपल था उसके हिसाब से मेरा अधिकार बनता है, तो अकॉर्डिंगली जो होगा ये पैसा मेरे पास आना चाहिए। ठीक है? तो एक बार फिर कौन जीत गया? दिल्ली वाला। अभी तुमने एग्री किया यार, अब तुम जबरदस्ती दिल पे मत लो बेटा। हाँ जी। और महाराष्ट्र का अब सीएम बोला, अब ये क्या मजाक है? इतने सालों तक हमें मिलता रहा, अब हम क्या करें? उसको कुछ नहीं करना क्या है? केजरीवाल बोला, लेकिन नाराज मत हो, ऐसा थोड़ी ना है कि तेरे यहां वाला दिल्ली में बेचेगा, हम भी तो बेचेंगे। रिएक्शन की कमी है। ऐसा थोड़ी ना है कि पुणे वाले ही दिल्ली बेचते होंगे, हम सिर्फ खा रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना है भाई, तुमने बेचा हमने खा लिया, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब बोला हम भी तो बेचते होंगे और तुम्हारे यहां लोग खाते होंगे। यस और नो? यस। जैसे मैं आया हुआ हूं अभी। यस और नो? यस। मैं खिला रहा हूं, आप खा रहे हैं। तो उसने बोला ऐसा थोड़ी नहीं कि ये हमेशा एक ही जगह से एक फ्लो होगा। उसने बोला जहां डेस्टिनेशन मेरा होगा उस सप्लाई में जो आईजीएसटी लगेगा उसका हिस्सा मेरे को मिलेगा, लेकिन जहां रिवर्स सिचुएशन होगी, दिल्ली से पुणे बेचा गया होगा, वहां जो आईजीएसटी लगेगा उस सिचुएशन में जो हिस्सा मिलेगा वो तुम्हारा होगा। उसने बोला तो निराश मत हो भाई, मिलेगा सबको, लेकिन डीबीटी कंप्लाई होना जरूरी है। मेरी बात क्लियर हुई सबको? यस। तो काउंसिल ने अपना डिसीजन पास किया कि जो अपर्शनमेंट होना है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो स्टेट जिसको मिलना है वो बेसिकली होगा डेस्टिनेशन स्टेट। यहाँ जो वर्ड स्टेट लिखा हुआ था ना 269A में, एरो लगा करके लिख लीजिएगा डेस्टिनेशन स्टेट। डेस्टिनेशन स्टेट, जो भी डेस्टिनेशन स्टेट होगा उसको मिल जाएगा। हम समझ पाए क्या इस बात को? अरे बेटा अब सुनो, पुणे के भैया आपके यहां तो काका बोलते हैं शायद, भैया तो हमारे यहाँ बोल, आप क्या काका ही बुलाते हो ना, भाऊ? अच्छा, हाँ ठीक ठीक भाऊ तो उसको बोलते नहीं है जो दादा होता है, दादा मतलब वो दादा नहीं। चलो खैर जो भी हो, मान लीजिए अब पुणे से जब दिल्ली सेल हुई, अब बड़ी बात बता रहा हूँ, एक लास्ट बात, मान लीजिए इस आदमी ने बेटा इसको ये सेल 1,00,000 रुपए की लेट्स सपोज सेल करी है, और आईजीएसटी बेटा लेट्स सपोज 18% है। बहुत अच्छा पॉइंट बोलने वाला हूँ, जरा समझना लास्ट पॉइंट ध्यान से। आईजीएसटी 18%, तो बेसिकली 18% 1,00,000 का हो गया बेटा 18,000 रुपए का आईजीएसटी। तो बेटा ये आदमी इस आईजीएसटी को दे देगा किसको, जिसने सेल किया वो किसको दे देगा? सेंटर को। और सेंटर वाला इस 18,000 का क्या करेगा बेटा? एक हिस्सा अपने पास 9,000 और एक हिस्सा स्टेट, और स्टेट का मतलब डेस्टिनेशन स्टेट इधर दिल्ली वाला, ऐसा ही होगा ना? यस। अच्छा ये एक बेसिक था, ये आपने समझा, दिस इज वेरी टेक्निकल, बिलीव मी, आपको ये मजे मजे में समझ नहीं आया अभी किसकी वैल्यू क्या, अभी आगे समझ आएगी। अब अगली बात ये समझिएगा, अब बेटा क्या ये जो दिल्ली वाला है इसने बेटा इसको खरीद के आगे पंजाब में बेच दिया, ऐसा हो सकता है? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर इसने पंजाब में भेज दिया,
क्या इधर फिर से IGST लगेगा? अच्छा, अब रफली ऐसा समझो, मान लो इसने 1 लाख का बैकेंड से खरीदा था और 1.5 लाख रुपए का इसने बेच दिया, IGST की रेट बेटा वही आपकी 18% है, तो अब ये बेसिकली यहाँ 24,000 हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जरा स्टेप्स जरा ध्यान से सुनना। पुणे से ये आया दिल्ली, इस ट्रांजेक्शन में इसका डेस्टिनेशन क्या बना? दिल्ली। अच्छा, अब अगर ये दिल्ली में मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने खरीदा होता, जैसे एग्जांपल ऐसे ले लो, चॉकलेट चल रही है पुणे से, जी बंदर, हाँ जी, तो वहाँ से चॉकलेट का ट्रेडर था, उसने चॉकलेट बेची, और इधर दिल्ली में जो था वो हाउस होल्ड यूनिट था, कोई फैमिली थी, उसने खरीदी है, तो बेटा उस केस में हाउस होल्ड यूनिट जो होगी उसने तो चॉकलेट खरीद के क्या करना है, कंज्यूम, और कंज्यूम का मतलब क्या, ये डेस्टिनेशन, यही स्टोरी ओवर हो गई। यस, तो ऐसी हम पहली सिचुएशन हम लेकर के चलते हैं, ट्रेडर चॉकलेट का पुणे से दिल्ली में किसी हाउस होल्ड यूनिट को चॉकलेट बेच रहा है, इस सप्लाई को हम बोलेंगे बेटा B2C सप्लाई, आप सारे नाम जानते हैं शायद, बिजनेस टू कंज्यूमर, बेचने वाली बिजनेस एंटिटी, जिसको बेचा गया दैट इज कंजम्पशन एंटिटी, B2C सप्लाई। अच्छा, B2C सप्लाई का मतलब इम्प्लाइड है चेन आगे जाती है या चेन खत्म हो रही है? खत्म। और क्या डेस्टिनेशन इज गेटिंग फिक्स्ड? यस। अब मुझे बोलो जो 18,000 थे उसका क्या होना है? बोलो बेटा, जो 18,000 थे उसका क्या होना है? 18 में से 9 सेंटर रख ले, अरे समझो 9 दिल्ली वाले को दे दे, इश्यू इज ओवर, डेस्टिनेशन पॉइंट हैज बीन रीच, बराबर हो गया। यस yes. अच्छा, बट अब मैं अपने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया, चॉकलेट वाले ने बेचा और दिल्ली में जो आदमी है वो चॉकलेट आगे बेचता है, तो बेटा ये जो पहली सप्लाई है अब ये B2C नहीं है, बोलो बेटा अब ये कौन सी सप्लाई बोलोगे? अब B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और इसने आगे बेटा पंजाब में बेचा जहाँ कंजम्पशन है, तो ये वाली कौन सी है? B2C। क्लियर है? अब सबसे पहले आप ये तय करो DBT का प्रिंसिपल क्या कहता था, डेस्टिनेशन, ठीक है ना? तो बेटा जो जो भी IGST चेन में कलेक्ट हो, जो भी हो, वो एक हिस्सा सेंटर रखेगी और एक हिस्सा किसके पास जाना चाहिए? दिल्ली, आपकी बार पंजाब होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए, सारे क्लियर है? तो बेटा अब क्या होगा इस चेन में, जब ये आदमी इस दिल्ली वाले को बेचेगा B2B सप्लाई में, तो ये आदमी पहले 18,000 जो होगा ये सेंटर के पास IGST बेटा दे देगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये 18,000 का भी बंटवारा नहीं होगा, बताओ क्यों भाई? आप बोल सकते हो धीरे धीरे, कोशिश करोगे, ये बांटेंगे ही नहीं अभी, वो क्या बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि खरीदने वाला आगे बिजनेस एंटिटी है, नहीं यार बात समझ में, तो हम इसको अभी बांटेंगे नहीं, एवरीबॉडी इज क्लियर? बोलेंगे इसका भी हमने कोई बंटवारा नहीं करना। मैं चलूंगा आगे बेटा। यस, अच्छा अब बेटा उन्होंने थियोरिटिकली एक क्या प्रोसेस बना रखा है, जो भी सप्लायर होगा ना, जैसे पुणे का जो भी सप्लायर होगा, ये जब कभी GST की अपनी रिटर्न्स भरेगा ना, तो रिटर्न्स में ना इसको ना 2 पार्ट में सप्लाई देनी पड़ेगी, B2C कौन सी है आप बोला करो या फटाफट से, और B2B कौन सी है? लो ऐसा क्यों बोलेगा, बोलो बोलो फटाफट से, क्योंकि जो B2C सप्लाई वाला GST होगा, बोलो फटाफट से, क्या वो अपॉर्शनड कर देंगे? यस, बट B2B वाला अभी अपॉर्शनड नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक बन गया अपना, ठीक है? सो अब B2B सप्लाई को फर्दर हैंडल करते हैं, तो अब जब 18,000 का IGST जाएगा, अभी वो इसका अपॉर्शनमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड आगे बिजनेस यूनिट है, कंजम्पशन का पॉइंट तो आगे निकलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए बेटा इसने जब पंजाब में सेल करी, तो बेटा इसके रिटर्न ने इस सप्लाई को B2C रिपोर्ट किया होगा, एंड द मोमेंट इसके रिटर्न में वो B2C सप्लाई है, क्या अब सिस्टम इसको अपॉर्शनमेंट के प्रोसेस में ले आएगा? आप समझ पा रहे मेरी बात को? यस। अच्छा, अब मुझे ये और बताओ, इस आदमी ने B2C सप्लाई कितने की करी है?
मैंने लिखा ना कितने की, 1.5 लाख, 1.5 लाख पर 18% का GST है, कितना हो गया 24। अब मैं एक बात शायद सभी को ही पता है बेटा, मैं 24,000 दूंगा सरकार को या 24 माइनस 18,000 दूंगा? मेरे ख्याल से सबको ही पता है ये बात, 24 माइनस 18, सबको क्लियर है? अच्छा ये हम 18 क्यों माइनस करते हैं? मैं पहले थ्योरेटिकली बोलता हूँ, जरा सुनो। इस आदमी ने बेटा जब 1.5 लाख का इसको बेचा तो इस पर IGST 12% के हिसाब से आया 24,000, ये इसका हुआ ग्रॉस टैक्स। हम कहते हैं लेकिन तुमने इस चीज को जब पीछे परचेज किया था तो उस पर तुमने टैक्स भर रखा है तो उसका तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। ये सब शायद सुन रखे हो, पहले मैं रफली बोल रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये 18,000 का वो सेटअप करा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अब क्या भरो, 6,000, दिस इज योर नेट लाइबिलिटी। अच्छा दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड, समझते आप सही हो? अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है तो सुन लीजिएगा, एक बात कंसेप्ट है, छोटा सा 5 मिनट का कंसेप्ट है। कभी भी ऐसे नहीं बोलो हमने 4:15 बजे स्टार्ट किया था, बस एग्जैक्ट 5 मिनट लेता हूँ। कभी भी हम टैक्स लेते हैं ना बेटा, तो टैक्स लेने के दो तरीके होते हैं। एक टैक्सेशन होता है ग्रॉस टैक्सेशन और एक होता है वैल्यू एडिशन टैक्सेशन। कंसेप्ट समझना, ये एग्जाम के लिए याद नहीं रखना, आप पहले कंसेप्ट समझे। दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रॉस टैक्सेशन, सेकंड इज वैल्यू एडिशन। ग्रॉस टैक्सेशन, अब शायद शब्द भी क्लियर होंगे, ग्रॉस टैक्सेशन क्या बोलेगा? ट्रांजैक्शन की ग्रॉस वैल्यू पर जो बना दे दो। फिर हो गया यार, थोड़ा जल्दी जल्दी जाना है हमको, जल्दी करो। ट्रांजेक्शन की ग्रॉस वैल्यू पर जो टैक्स बना दे दो, कितना बना है? मेरे एग्जाम्पल में अगर ग्रॉस टैक्सेशन की बात करोगे तो 24,000। दूसरा टैक्सेशन सिस्टम होता है वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम, वो ये कहता है ट्रांजेक्शन की ग्रॉस वैल्यू मत देखो, आप ये देखो जिस आदमी ने ट्रांजेक्शन किया उसके एंड पर वैल्यू एडिशन क्या हुआ। तो बेटा जो चीज वो लाया था वो कितने की थी? 1, बेच रहा है 1.5, तो उसके एंड से नई वैल्यू क्रिएट क्या हो रही है? 50,000। तो वैल्यू एडिशन टैक्सेशन ये कहता है कि आपको सिर्फ जो उसके एंड पर वैल्यू एडिशन हुआ वो टैक्स करना है। और इसको टैक्स करने के लिए वो क्या कहते हैं, तुम सिंपल सा काम करो, जो उसका ग्रॉस टैक्स था वो निकालो और जितनी वैल्यू ऑलरेडी लाओ एनर्जी टैक्स हो चुकी बैकएंड पे उसको सेट ऑफ कर दो एज क्रेडिट। तो अब जो नेट निकला ये ऑटोमेटिकली क्या निकला? वैल्यू एडिशन सिस्टम। अब यहाँ क्या है, यहाँ लोग बड़े हैं बेटा, ये सर मुझसे कल बात कर रहे थे कि हम ये ऑफिस बेचते हैं, हम बड़ा ऑफिस खरीदते हैं। तो बेटा अगर वो इस ऑफिस को बेच देते हैं, ये प्रॉपर्टी कितने की बिक जाएगी? अच्छा इसका नहीं लगाया अंदाजा, मेरी कमाई के लगा के बैठे थे तो सही ना। मैं अब इसमें अब आपको नई बात अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ। तो लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी बेटा 2 करोड़ की बिकती है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसको मिस्टर एक्स कोई खरीदता है, तो अभिषेक सर ने उसको लेट्स सपोज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बेच दी, तो बेटा आपको थोड़ा आइडिया, जब ऐसे हम खरीदते हैं घर वर तो स्टैम्प ड्यूटी जाती है, यस, तो स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट होगी। आई बिलीव आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करता है बेटा, बेचने वाला खरीदने वाला? कभी कभार परेशानी हो जाती, बायर खरीदने वाला, ठीक है। तो अभिषेक सर तो 2 करोड़ रुपए लेके साइड में हो जाएंगे और जो बायर होगा उसको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, मान लीजिए 5%, 10 लाख रुपए की अगले ने दे दी बेटा। अब उसने आज खरीदी थी, 10 दिन बाद उसके पास कोई आया दूसरा कोचिंग वाला, उसने बोला अरे यार ये हॉल हमको चाहिए, हमको दे दो। उसने बोला दे दूंगा 2.5 करोड़ का, उसने बोला ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। तो बेटा अब 2.5 करोड़ रुपए की सेल हुई, स्टैम्प ड्यूटी देनी है, अब की बार कौन देगा? अगले वाला, कितने पर? 2.5 करोड़ पर, सिंपल क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही मजे में ही कंसेप्ट हो जाएगा आपसे, खत्म करें इसको। हाँ जी,
कितने पर? थोड़ा बस 5 मिनट है, थोड़ा इंटरेस्ट मेंटेन रखो भाई थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, 50 पर या 2.5 पर? डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी के लिए ग्रॉस टैक्सेशन यूज किया है या फिर वैल्यू एडिशन सिस्टम यूज किया है। अगर ग्रॉस टैक्सेशन यूज किया है तो 2.5 पर जाएगा, और वैल्यू एडिशन किया है तो 50 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्चुअल आंसर इज 2.5 करोड़, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी पर वो ग्रॉस टैक्सेशन सिस्टम यूज करते हैं, बट जीएसटी में वो ग्रॉस टैक्सेशन नहीं यूज करते। कंक्लूड पैकअप कर रहा हूँ, तो जीएसटी में वो क्या यूज करते हैं? वैल्यू एडिशन। आंसर फास्ट बोलो अब, इसका मतलब ये आदमी कितना देगा, 24 या फिर 6000? 6000। तो बेटा इसने 6000 दे दिए। अब आप समझ जाओ गवर्नमेंट के पास टोटल आईजीएसटी कितना आ गया, जल्दी खत्म करें जल्दी, कितना आ गया? 24। 18000 पहले वाले ने जितने किया, और उसके बाद 6000 इसके एंड से जो आ गया। और बेटा अब इसके बाद डेस्टिनेशन भी आ गया, प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी, प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी चेन में? 1.5 लाख। टोटल टैक्स कितना मिल चुका? 24000। टोटल वैल्यू एडिशन का टैक्स आ चुका, यस, और डेस्टिनेशन भी आ चुका। फटाफट से बोलो अब 24000 बढ़ जाएंगे, जल्दी कर देते यार, अब 24000 बढ़ जाएंगे। कहाँ कहाँ? 12 सेंटर रख लेगा, 12 पंजाब रख लेगा। आई बिलीव आई एम क्लियर टू एवरीबडी, यस। चलिए बाकी कल करते हैं, थैंक यू एवरीबडी।